हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है और डेट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो ध्यान से देखो, एक वर्ड है 3D। तो यू नो, सब जानते हैं राइट, 3D डेट मीन्स डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज 3D से स्टार्ट होगा राइट। इसलिए अगर आपको पीरियड पूछा जाए तो डी के आगे जो नंबर होगा उसमें एक जोड़ देना है तो वो पीरियड हो जाएगा। जैसे 3D सीरीज का पीरियड कौन हो जाएगा, फोर्थ पीरियड। वैसे ही अगर मुझे 5D का पूछा जाए तो 6th पीरियड हो जाएगा। तो नाउ द पॉइंट इज कि हम 3D, 4D, 5D एंड 6D एलिमेंट को याद कैसे रखेंगे। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, मैंने 3D के एलिमेंट को लिख दिया है। तो कैसे याद रखेंगे उसका निमोनिक्स, वेरी सिंपल है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। और ये 99% इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और इसका एटॉमिक नंबर स्टार्ट होगा 21 से, एंड होगा 30 पे। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली 4D को कैसे याद रखेंगे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राहों में पड़े तो आगे कूद जाना। ये सिंपल राइमिंग वर्ड से आप याद रख सकते हैं, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 39 एंडिंग एट 48। नेक्स्ट 5D को कैसे याद रखेंगे, ला हफ्ता, दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। तो इसमें एक 57 होगा, उसके बाद 14F वाले होंगे, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर स्टार्ट होगा वो 72 to 80 होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। वैसे ही 6D को कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, AC से अच्छा रफी सर दोबारा सॉन्ग भूलेंगे, हंसो मत दूसरा राग सुनो। तो आपको ये याद हो जाएगा ये निमोनिक से। अगेन इसमें एक्टिनियम 89, उसके बाद 14F वाले आएंगे तो फिर डी स्टार्ट होगा, इसलिए 89 के बाद डायरेक्ट जंप है 104 से 112 तक। तो इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार पूछा गया है, चार ऑप्शन दे देगा विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट एटॉमिक नंबर। तो उसमें एक ये ऑप्शन था 21, आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 25 इसी के बीच में आ जाएगा 21 टू 30 में, 42 आप देख सकते हो 39 टू 48 में आ जाता, एंड 72 जो कि यहाँ पे आ जाएगा 5D सीरीज में। तो चार ऑप्शन क्रिएट कर करके कौन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान से देख ले, डाउन द ग्रुप डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल ट्रिक है। थर्ड ग्रुप के लिए स्कूटर यामाहा ला, फोर्थ ग्रुप के लिए टी जरा हाफ, फिफ्थ ग्रुप के लिए वो नोबॉल था, सिक्स ग्रुप के लिए कोरोना मौत वाला, सेवन्थ ग्रुप के लिए मन तक रे, एट ग्रुप के लिए फिर रुलाया उसे, नाइन्थ ग्रुप के लिए कौन रहेगा इधर, टेंथ के लिए नहीं पढ़ोगे पिटोगे, और एलेवंथ के लिए क्यों आगे आऊं, ट्वेल्थ के लिए जैनब कनाडा होगी। तो ये आप ग्रुप वाइज कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक है। पॉइंट इसमें जो ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर 3 में अगर पहले एलिमेंट स्कैंडियम, जिसका मालूम है 21 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो आपको पहले 18 जोड़ देना है 21 में, फिर 18 जोड़ना है, फिर 32। बट 4 से लेकर के 12 तक में आपको पहले 18 जोड़ना है, उसके बाद 32 और 32। क्यों? क्योंकि 14F वाले आ गए। तो जिसका एक एग्जांपल भी लिया मैंने कि अगर मुझे स्कैंडियम का मालूम है 21 एटॉमिक नंबर, तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, पहले 18 जोड़ना है तो 39, फिर 18 जोड़ना है तो 57, फिर 32 जोड़ना है तो 89। ये थर्ड ग्रुप के लिए लगाना है। 4 से लेकर के 12 तक, जैसे मैंने ये फोर्थ ग्रुप कर लिया तो टाइटेनियम का मालूम होता है सभी को 22, अभी ट्रिक भी दिया, उसके बाद 18 जोड़ो तो 40, फिर 32 जोड़ना है तो 72, फिर 32 जोड़ेंगे तो 104। तो उसी ग्रुप के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 3D से बड़ा साइज 4D का होता है और 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इसलिए उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो वो किस वजह से होता है ये भी पूछा जाता है, तो 4F सबसेल की पुअर शील्डिंग की वजह से। वैसे ही एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन किस वजह से होगा,
5F सबशेल की पोअर शील्डिंग की वजह से। इस पे बेस क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उसका एक एग्जांपल लिया है कि कॉपर से बड़ा रेडियस एजी का होगा सिल्वर का, और गोल्ड और सिल्वर का ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि चार ऑप्शन दे दिया विच इज हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज। तो ध्यान दे, सिर्फ 4D और 5D का अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, आपको इसको ध्यान में रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे सिंपल ट्रिक से। तो विनो की फर्स्ट सीरीज है 3D, राइट, जो स्टार्ट होता है 21 से एंड होता है 30 पे। तो आपको कैसे लिखना है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया आर्गन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, राइट। अब जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन को आपको एस सबसेल में भरना है, और किस में, एस में वन होगा, कूकर वर्ड से याद रखेंगे, कूकर, डेट मीन्स क्रोमियम एंड कॉपर में एस में वन होंगे। तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ भर देना है, डी में, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। और अगर कूकर नहीं है, रेस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट है, तो आपको उसमें एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है और फिर रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डी में भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैगनीज, तो 25 एटॉमिक नंबर, ये सभी को याद रहता है, राइट, 21 से 30 तक है। तो आपको क्या कर देना है, आर्गन 18 हो गया, राइट, और चूंकि ये कुकर में नहीं आ रहा है तो एस में 2 भर दो, तो 4s2, तो 20 हो गए। तो टोटल कितना भरना है, 25, 20 भर गए, तो 3d में कितना हो जाएगा, 5, ये कहने का मतलब है। वैसे मान लो मुझे कॉपर का भरना है, तो 29 है, तो आर्गन 18 हो गए, राइट, लेकिन ये कुकर वाला है तो एस में 1, तो 4s में 1, तो ये कितने हो गए, 19 हो गए, और 29 भरना है मतलब 10 और भरना है, तो इसलिए 3d में कितना हो जाएगा, 10। ऐसे सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो समझ गए होगे कि कुकर में एस में 1 रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में एस में 2, तो ये भर गया, उसके बाद जितना बचेगा डी में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी भर चुका है एस एंड पी में, जो कि आर्गन तक आ जाएगा। सिमिलरली अगर 4D की बात करें, तो ध्यान से ये भी देखना है कि जैसे D के आगे जो नंबर होगा उससे एक ज़्यादा नंबर S के आगे होगा, तो 4D वाले में उसका नियरेस्ट नोबल गैस 36 क्रिप्टन हो जाएगा, और 39 से 48 तक आपको भरना होता है। तो कैसे भरेंगे, सेम वही। तो यहाँ पे क्या ट्रिक का पॉइंट है, 3, 4, 12 मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 12, 3, 4, 12 स्टार्ट होता है, जो आपका डी ब्लॉक वो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है। 3, 4, 12 का क्या मतलब हो गया कि लास्ट में 2 आ रहा है, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है इसमें, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में। अगर 10th ग्रुप है, तो 10th ग्रुप में लास्ट में क्या आ रहा है, 0, तो एस में उसमें 0 होंगे, डैट मीन्स सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसमें किस में होगा, डी में होगा, और रेस्ट जो भी बच गया, डैट मीन्स थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ट्वेल्थ ग्रुप और 10th ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप बच गए हैं डी ब्लॉक के, उस सब में रेस्ट में एस में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये याद रखना बहुत ईजी है, 4D वाले में 3, 4, 12 में 2, एस में 10 में 0, 10th ग्रुप में, बाकी सब में एस में 1, राइट। सिमिलरली अगर 5D की बात करें, तो 57, उसके बाद F के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए 72 to 80 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो आपको कैसे भरना है, D के आगे 5 है, राइट, तो S के आगे 6 हो जाएगा। इसमें पॉइंट क्या देना है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस जो हो गया वो ज़ेनॉन 54। तो इसमें पॉइंट क्या है कि देखो 10 और 11 ध्यान में रखना है, 5 to the 10 and 11, 10 और 11 में पहला डिजिट कौन है, 1, 1, तो इसमें S में 1 रखना है, बाकी रेस्ट जितने भी एलिमेंट बच गए, डैट मीन्स 10th और 11th ग्रुप को छोड़ करके 3 से 12th ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट होंगे 5D सीरीज वाले, उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो S में 2 हो गया, तो रेस्ट कितने किस में होगा, D में होगा, राइट। सिमिलरली अगर 6D का लिखें, तो D के आगे 6 है, तो इसलिए S के आगे 7, उससे एक ज़्यादा होगा, जो पीरियड को भी बताता है। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस हो गया रेडॉन, इसमें एक एलिमेंट 89, उसके बाद फिर F के 14 हो जाएंगे, राइट, जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे, इसलिए 104 से 112 तक इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या पॉइंट ध्यान रख रहा है, सिर्फ ग्रुप नंबर 11th में 1 आ रहा है, तो उसमें S में 1 होगा, बाकी रेस्ट जितना भी एलिमेंट बच गया, डैट मीन्स 3 से लेकर के 12th में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12, इन सब में S में 2 पहले भर देना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपको D में भरना है। तो ये है आपका एक ट्रिक फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दो, ये 99% ध्यान से सुनना बेटा, 99% क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपका,
3D सीरीज से, इसलिए हमें इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन आपका 3D सीरीज से आता है, और 3D सीरीज सबको याद होते हैं 21 से 30 है एटॉमिक नंबर, राइट। और आपको निमोनिक्स भी दे रखा है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा। तो ये एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को याद रखना है, क्योंकि 99% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और उसमें आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो भी मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा भी। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच वाला जो भी एलिमेंट होगा, माइनस 18 जो एस एंड पी में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दैट इज आर्गन का एटॉमिक नंबर, वो माइनस कर देना है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके एटॉमिक नंबर में से 18 और ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर दो, जो नंबर बचेगा वो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन है। और डी में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, पहले सिंगल सिंगल 1, 2, 3, 4, 5 पहले सिंगल सिंगल बनना है। इसलिए यहाँ से हमें यह भी पता लग रहा है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में कितना हो सकता है, 5। उसका जब 6 होगा तो पेयर होंगे, तो इसमें आ जाएगा 6, फिर 7, 8, 9, 10 इस टाइप से आपको बढ़ना है। डी में 5 घर हैं और 10 लोग रह सकते हैं, ऐसा समझ लो। नाउ द पॉइंट इज कि कभी भी अगर मान लो कि सर ये नहीं पूछा, इधर से पूछ दिया, तो वेरी सिंपल है, क्योंकि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया है। कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, अगेन पॉइंट पे ध्यान देना है, कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो सबसे पहले आपको एस सबशेल से हटाना है। जो भी आयंस बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से रिमूव होगा, एस से, देन उसके बाद डी से रिमूव करना है। इस पॉइंट पे ध्यान देना, डी ब्लॉक के जितने भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसका एटॉमिक नंबर मालूम होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से हटाओगे, एस वाले से। कहाँ कहाँ से, ध्यान से देखो, ये एस वाले से आपको रिमूव करना है, उसके बाद डी से रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड 99% क्वेश्चन 3D सीरीज से आएंगे। तो आपको मैंने 3D सीरीज अपने निमोनिक से याद करवा दिया है, 21 से 30 तक काउंट करने सभी को आता है, राइट। वीनो की डी ब्लॉक ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 पे एंड होता है, तो जो ग्रुप नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया सभी में, ग्रुप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 एंड सो ऑन 12 तक। डैट मीन्स सबसे हमने 18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको जो सोचना है वो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में जाएगा, बाकी किस में जाएगा, डी में। तो ट्रिक का पॉइंट यही है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है, बाकी डी में। सिर्फ ध्यान कहाँ पर रखना है, वीनो की डी में 5 घर होते हैं, राइट, इसलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो 24 में देखो, 24 में 4 आ रहा है, 4 मतलब क्या हो गया, ये 4 घर भरेंगे, राइट, तो एक और घर भरना चाहिए सो डेट कि ये हाफ फील्ड हो जाए। इसलिए 24 के केस में हमें एकदम अलर्ट रहना है कि वहाँ पे डी में 5 करना पड़ेगा। सिमिलरली 29 से क्लियर है हमें, तो 9 भर जाएंगे, मतलब यहाँ तक भर जाएगा, ये एक सिंगल रहेगा, फुलफिल होने के लिए एक और होना चाहिए, इसलिए 9 वाले को हमें 10 कर देना है, डैट मीन्स कॉपर में हमें अलर्ट रहना है। तो देखो वेरी सिंपल, ग्रुप नंबर से इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 में 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 1 डी में, क्योंकि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। ग्रुप नंबर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, एस में 2 डी में 2, 5 एस में 2 डी में 3, यहाँ पे 6, तो बट वीनो की 24 है, राइट, तो एक डी में और चला जाएगा, तो एस में कम हो जाएगा, तो एस में 1 डी में 5, तो सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है। फिर एस में 2 डी में 5 आपको भरते हुए जाना है, 8 है तो एस में 2 डी में 6, 9 है तो एस में 2 डी में 7, 10 है तो एस में 2 डी में 8, 11 है तो एस में 1 डी में 10, अगेन यहाँ पे कूकर वर्ड से वैसे भी आपको याद करवा रखा हूँ, और एस में 2 डी में 10। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो काम का आपका बस यही है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, किसी भी आयंस या एलिमेंट का पूछा जाए 3D सीरीज में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी आंखों के सामने 2 सेकंड में। जैसे टाइटेनियम प्लस 2, तो ध्यान से देखो पहले एस से जाएंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो पहले एस से फिर डी से, 2 रिमूव करना है, एस से 2 चला गया तो बचा कितना, डी में 2। Mn प्लस 4, तो S से पहले 2 जाएंगे और 2 और निकालना है, तो D से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, D3, ऑलवेज S से पहले रिमूव करना है। कोबाल्ट प्लस 3 में आप देख लो, S से 2 जाएंगे और एक और निकालना है, तो D6। निकेल प्लस 2 में S से 2 जाएंगे तो D8।
और कॉपर प्लस टू में एस से एक जाएगा, डी से एक जाएगा, तो डी नाइन। तो आप देख सकते हो कितना क्विकली आपने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको मैंने पहले बोल दिया 99% क्वेश्चन हमारा 3D सीरीज से आएगा। तो आपको क्या करना है, 3D सीरीज वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है। अगर गिवन है डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई कंपाउंड गिवन है तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन आपको निकाल लेना है सभी में। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का कितना है, -18 आर्गन तक का इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार आपको डी में इलेक्ट्रॉन पता लग गया तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर बेस ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर वन, डी में इलेक्ट्रॉन मालूम है तो पहला चीज पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, ये फार्मूला है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ, ध्यान दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको पुट करना है यहाँ पे। इस फॉर्मूले का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे डायरेक्टली, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लग गया अगर x, तो म्यू की वैल्यू 6.9 आपको कर देना है, उसके आसपास वाले को आंसर को टिक कर देना है, राइट। और अगर नियरेस्ट इंटीजर में पूछे तो चूंकि 6.9 है तो इसलिए नियरेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस वन हो जाएगा। जैसे सपोज करो एन की वैल्यू 2 है तो म्यू क्या कर देना आपको 2.8 2.9 वाला आसपास का आंसर टिक कर देना है, और नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा वो 3। इस पॉइंट को ध्यान देखें, कभी कभी म्यू दे दे 3.97 ऐसा दे दिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डेसिमल से पहले जो पॉइंट होगा वही अनपेड इलेक्ट्रॉन को बताएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देना, कहीं पर अगर म्यू 5.92 है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5, डेसिमल से पहले जो नंबर होगा वो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इस पे बेस और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, चूंकि डी में इलेक्ट्रॉन आप भर लोगे, अगर डी में 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन है तो जरूर कोई ना कोई एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरा मैग्नेटिक होगा और कलर भी शो करेगा। तो कहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है चार ऑप्शन दे करके कि कौन कलर शो करेगा, तो आपको डायरेक्ट माइंड पे जाना चाहिए कि किसमें D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन है। कहीं पर अगर D0 या D10 है तो डाया होगा और जनरली वो कलरलेस होंगे, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान देना, और ये चीज़ कहाँ पे लगाना, जब लिगेंड ना हो, डैट मीन्स वी आर टॉकिंग ओनली डी ब्लॉक। जब कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे तो फिर लिगेंड का इफेक्ट देखना पड़ेगा। नाउ और कैसे पूछा जा सकता है, तो यूनो की जो हाफ फील्ड होती हैं कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल होती हैं, इसलिए कहीं पे अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बनने की कोशिश करेगा सो डेट कि वो हाफ फील्ड हो जाए। तो 4 से 5 कब जा सकता है, गेन करके इलेक्ट्रॉन को। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो पूछा जा सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 बनने की कोशिश करेगा, और कैसे बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आउट होकर के रिलीज कर करके, तो क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ऐसे केस में D6 कॉन्फ़िगरेशन वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस पे बेस प्रॉब्लम को कैसे पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे हाफ फिट या फुल फिट सोचना आपको। तो पॉइंट नंबर 3 को कैसे अप्लाई करना है आपको, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कहीं पर अगर Mn+3 में है तो यूनो कि उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो वो +2 में जाना चाहेगा ताकि D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, हाफ फील्ड हो गया। तो ये 3 से 2 में कब जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ऐसे पूछा जा सकता है। और सिमिलरली Mn+3 पर अगर एसिड डालें डायलूट H+, तो आपको H2 नहीं मिलने वाला, क्यों, क्योंकि H+ को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, राइट। कोई एक रिलीज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो इसलिए डाइल्यूट एसिड से Mn+3 रिएक्ट नहीं करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा, यस जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रोमियम जो है उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो स्टेबल या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ भी जाने की कोशिश करता है, तो क्रोमियम +2 से +3 में जाएगा। अब +2 से +3 में कैसे जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर क्रोमियम +2 के किसी कंपाउंड पर अगर मैं एसिड डालूं H+, तो हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, क्योंकि क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा। तो इस टाइप से आपको पूछेगा इनडायरेक्ट वे में, इसलिए ध्यान देना, मैंने सारे पॉइंट को लिस्ट आउट किया है।
पॉइंट नंबर फोर और कैसे पूछा जा सकता है, तो जितने भी छापा वाले हैं, छापा इन द सेंस कॉपर HG AG PT AU ये पांच एलिमेंट, ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए इस पर अगर इन सब एलिमेंट पे आप डायलूट एसिड ऐड करोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर पे डायलूट एसिड डालोगे तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलने वाला, और इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। चार ऑप्शन दे देगा विच इज हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, तो छापा वर्ड से आपको याद रखना है, राइट। और ये सब हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज नहीं करेंगी डायलूट एसिड से रिएक्ट करने पे। पॉइंट नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन स्टेट का और क्या यूज हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो सारे एलिमेंट का हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जैसे स्कैंडियम का तो फिक्स ही है +3, उसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। जिंक का फिक्स है +2, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। बाकी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है या कॉमन यू कैन से जिसकी तरफ जाना चाहेगा, तो टाइटेनियम ऑलवेज 4 की तरफ जाना चाहेगा। डैट मीन्स कहीं पे टाइटेनियम +2 है तो +3 बनने की कोशिश करेगा, और +3 है तो +4, 4 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो डैट मीन्स वो ऑक्सीडाइज होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इस टाइप से आपको एप्लीकेशन लेगा वो। सिमिलरली वैनेडियम +5 में जाने की कोशिश करेगा, क्रोमियम आइदर 3 में, जो यहाँ पे समझाया 2 में है तो 3 में जाने की कोशिश करेगा, या 6 में। मैंगनीज 2 है, +2 इसका स्टेबल है या कॉमन है, और 7 इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन 2 है तो 3 में जाने की कोशिश करेगा, कैसे ध्यान से देखो, आयरन 2 में है तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 में जाएगा तो डी में 5, तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर इसकी रिएक्शन आयरन +2 की रिएक्शन किसी एसिड डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो H2 गैस मिलेगा। इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने बिल्कुल कंसेप्चुअल बात किया है कि कैसे आपको थिंक करना है। वैसे कोबाल्ट का 2 और 3 होता है, निकल का 2 है, कॉपर का 2 है, दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो इसको अप्लाई करना चाहेगा वो, तो आपको देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे है, तो उससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो पीछे आने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हाइड्रोजन गैस दे सकता है, कलरलेस कौन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप देख लेना 99%। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 में म्यू गिवन था 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा वो पहचानना था, तो आपको बता रखा हूँ ट्रिक। 3.87 है तो डेसिमल से पहले वाला एन दे देगा, तो अनपेयर्ड 3 है, डैट मीन्स डी में इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, ध्यान से देखो 3 है, राइट। और वी नो पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, एस से, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये एस से निकलता है, तो वो 2, 5 और 18 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो कितना होगा 23, तो एटॉमिक नंबर 23 किसका होता है, वैनेडियम का, क्विकली आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को समझ में आता है क्या करना है, भाई लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब वाटर में कम से कम किसका हाइड्रेशन एन्थैल्पी होगा, तो Mn+2 का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है, हाफ फील्ड में है, बस आपको यही सब सोचना क्वेश्चन है, कहाँ पे हाफ फील्ड हो रहा है, फुल फील्ड हो रहा है, इस टाइप का, बाकी सब में नहीं है। और वैसे भी आपको मालूम है कि ये सब आगे जा सकता है क्रोमियम +2 से +3 में, क्यों, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 था, तो और ज़्यादा आगे डिजोल्व हो सकता है, हाइड्रेशन एन्थैल्पी ज़्यादा होगा, आयरन +2 से +3 में आएगा हाफ फील्ड होने की वजह से, राइट। कोबाल्ट भी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये और आगे जाएगा, लेकिन ये यहीं पर रहेगा, तो इसलिए इसका लोएस्ट एन्थैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो क्वेश्चन में लगाना वही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड, लेकिन पूछने का तरीका इनफिनाइट हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है। सिमिलरली कौन कलरलेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो ध्यान से देखो, स्कैंडियम +3 है तो D0 है, Zn+2 तो D10 है, D0 D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। बाकी सभी में आप चेक करो, किसी न किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, कलरफुल भी होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन लिबरेट नहीं करेगा, छापा वाले से याद देखो ध्यान से, कॉपर हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रखा हूँ। सिमिलरली इस टाइप से 3 कंपाउंड गिवन थे, MnF4, MnF3, MnF2, इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में, अब बच्चे तो यहीं पर नहीं पकड़ पाते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, तो अभी आपको कंसेप्ट दिया था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग वो होंगे जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं,
यहाँ पे आपका मैंगनीज प्लस फोर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे आपका प्लस थ्री में और यहाँ पे ये प्लस टू में, तो ये तो प्लस टू में ही रहेगा राइट। डी फाइव हो गया तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे ये डी फोर में है और ये फाइव में जाने की कोशिश करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो। तो ध्यान से देखो, फोर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके फाइव में जाएगा, ये रिड्यूस होगा, तो ये एक अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हाफ फील्ड में आ जाएगा। अब इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताना था, तो यहाँ पे मैग्नीज प्लस थ्री में है, आपको बता रखा हूँ 18 गए, उसके बाद मैग्नीज 25, तो सात इलेक्ट्रॉन है जिसमें से तीन निकाल देना है। तो डी में बचा कितना? फोर, और फोर के फोर क्या होंगे? अनपेयर्ड, क्योंकि पाँच तक अनपेयर्ड बनना है, तो एन की वैल्यू हो गया आपकी फोर। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना आपको? नियरेस्ट इंटीजर में फाइव, उससे एक ज़्यादा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फाइव। ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद समझो सिक्स में क्या बोल रहा है कि ये चार अगर आयंस है तो कौन लिबरेट नहीं करेगा H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब अगेन बच्चे सोचते हैं ऐसे कैसे होगा, कैसे समझेंगे? भाई सिंपल आपको बता रखा हूँ, टाइटेनियम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फोर है, तो अभी ये फोर तक जा सकता है तो ये तो देगा। वैनेडियम प्लस फाइव है उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी आगे जाएगा, ये भी देगा। क्रोमियम प्लस थ्री या प्लस सिक्स है, ये भी आगे जाएगा, लेकिन कोबाल्ट का ऑलरेडी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री है तो ये अब आगे नहीं जा सकता राइट, तो इसलिए ये आपको हाइड्रोजन नहीं देगा। तो डैट मीन्स पहले क्वेश्चन में ये पहचानना था कि देगा कौन नहीं, फिर उसका पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो कोबाल्ट प्लस थ्री में, कोबाल्ट प्लस थ्री में होने का मतलब क्या हो गया आपका? 18 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और फिर तीन इलेक्ट्रॉन, तो 27 था, 18 निकाला तो कितना बच गया था आपका? 9, तीन निकाला तो 6, 6 में 5 तक भरेंगे फिर एक पेयर्ड हो जाएंगे तो चार अनपेयर्ड रहेंगे, तो इसका म्यू वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा? 5। देखो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, कैसे मेरे सिंपल ट्रिक से हो रहा है। और ये भी समझ गए होंगे क्यों कोबाल्ट प्लस थ्री हाइड्रोजन नहीं दे रहा, क्योंकि बाकी सब ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वही H प्लस गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे डेट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव भी होगा अगर आप कोशिश किए तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन तो क्या मिलेगा? तो विनो की कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसलिए कॉपर सिर्फ मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिल सकती। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंसेप्ट वही रहेंगे, पूछने का तरीका चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे लो मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, निकाल लो निकल प्लस टू में सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि निकल प्लस टू मतलब क्या हो गया? डी में 8। कैसे कर दिया सर आपने इतना तेजी? ध्यान से देखो, निकल मतलब 28 में 18 हटा दो तो बचा कितना? 10। 10 में से एस में से दो जाएंगे, पहले एस से निकालना है, तो बचा कितना? 8। 8 कैसे बनेंगे? 5 सिंगल सिंगल और फिर तीन पेयर हो जाएंगे, तो अनपेड कितना बचेगा? यहाँ पे दो ही बचेगा, तो जितना कम अनपेड उतना लो मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इन सब में अनपेड क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। वैनेडियम में सर निकाल के बताओ, तो 2 प्लस है, एस से 2 गया होगा, 23 है, तो इसमें अनपेड 3 होंगे। क्रोमियम में ये कुकर वाला हो गया, एस से 1 जाएगा और डी से 1 जाएगा, टोटल 24 होता है, 2 निकल गए हैं, तो इसमें अनपेड कितना हो जाएंगे आपके? 4। आयरन प्लस 2 में 26 है, 2 चले गए, तो इसमें 6 डी में होंगे, अनपेड इसमें भी कितना होगा? 4। तो आप इजीली बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करे, इट सेल्फ रिड्यूस हो, तो यू नो Mn प्लस 3 रिड्यूस होगा, प्लस 2 में आना चाहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस 2 में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होगा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। टाइटेनियम प्लस 3 में ये 4 में जाना चाहेगा राइट। आयरन प्लस 3 में ऑलरेडी D5 है, क्रोमियम प्लस 3 में ऑलरेडी इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए ये सब नहीं हो सकता। तो इस टाइप से आपको पूछे जाएंगे एप्लीकेशन प्रॉब्लम। 10 में कलर्ड सॉल्यूशन कौन होगा? तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे D1 से D9 वाले, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर प्लस 1 है, D10 है, नहीं होगा। जिंक प्लस 2 है, D10 है, नहीं होगा। कॉपर यहाँ पे प्लस 2 है, D9 है, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि Ag प्लस 1 D10 है। तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, हर बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी से रिलेट किया जाएगा। 11 में कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, डेट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कॉपर प्लस 2 D9 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, क्रोमियम प्लस 3 इसमें भी अनपेड होंगे, स्कैंडियम प्लस है सिर्फ इसमें भी अनपेड होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में कैसे चेक करना है? जिंक प्लस 2 D10 नहीं होगा, यहाँ पे स्कैंडियम प्लस 3 D0 नहीं होगा, यहाँ पे Mn प्लस 7 D0 नहीं होगा, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आयरन का पूछा गया था म्यू कितना होगा। आयरन हो गया 26 हो गया, तो आप कैसे भरोगे? बता दिया था 18, फिर 4s2 20 और 3d6, तो d में 6 इलेक्ट्रॉन है,
पहले 1, 2, 3, 4, 5 फिर एक पेड हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 4, तो म्यू डायरेक्ट कितना लिखोगे 4.9। आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट ट्रिक, ये हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली 13 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका सेम है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम प्लस 1 कुकर वाला है, एस में एक होगा तो डी में इसके 5 हो जाएंगे, Mn प्लस 2 इसके भी डी में 5 हो जाएंगे क्योंकि इसमें दो होंगे, तो यही हो जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बाकी में नहीं होंगे। सिमिलरली 14 में Mn प्लस 2 से M0 में जाने का, डैट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होगा, तो आपको बता रखा हूँ किसका होगा, छापा वाला जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो देखो इसमें ये ऑप्शन डी कॉपर हो जाएगा डायरेक्ट, वेरी इजी उस ट्रिक से। 15 डज नॉट सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज में कौन कौन शो नहीं करता है, एक स्कैंडियम पहला वाला और एक जिंक लास्ट वाला, तो ध्यान से देखो स्कैंडियम है इसमें, तो स्कैंडियम नहीं शो करता है, ओनली एक ही होता है प्लस 3 और जिंक का एक ही होता है प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो कि मैंने क्विकली 15 क्वेश्चन कर डाले, ये सब PYQ हैं और सिंपल मेरे ट्रिक से, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब में डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसी को घुमा फिरा करके डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान दो 3D सीरीज में, डैट मीन्स जो डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज है, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका हो सकता है, मैंगनीज का, जो कि 25 हो गया एटॉमिक नंबर, और ध्यान से देखना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है प्लस 7, क्यों, क्योंकि उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी में 5, तो ये टोटल 7 इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, तो मैंगनीज का कितना होगा प्लस 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ध्यान रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में 2, N-1 में डी में 5, राइट। तो ये क्लियर होगा, वैसे ही पूरे डी ब्लॉक में, यहाँ पे 3D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो सकता है 5.92, नियरेस्ट इंटीजर में 6 हो जाएगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है 5। सिमिलरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होल डी ब्लॉक में, तो वो RU एंड OS का होगा, डेट इज प्लस 8, लेकिन 3D में पूछे तो मैग्नीज का होगा प्लस 7, पूरे डी ब्लॉक में तो प्लस 8 हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं। वैसे ही एक पॉइंट और है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एक्वस सॉल्यूशन में, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, विच इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, तो आप ध्यान से देख सकते हो बी में सबसे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेट इज 6, यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया प्लस 2 है, यहाँ 6 से कम आएगा, यहाँ पे प्लस 1 है, तो इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसका होगा, तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड लगाना है, तो क्रोमियम का होगा, क्यों, क्योंकि वी नो क्रोमियम का 4s1 3d5 होगा, कुकर हो गया तो एस से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे ऑलवेज, आप जब दूसरा निकालने जाएंगे तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से जल्दी निकलेगा नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप मेरा यह प्रयास आपको बहुत पसंद आया होगा, डी ब्लॉक में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बेटा, जो आपको कंसेप्ट दिया है सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, एक बार अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सही सही तो उससे डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके माइंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड फुल फील्ड यही चलना चाहिए और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अलावा और कुछ नहीं, उस पर बेस प्रॉब्लम आप कर लोगे। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो डी ब्लॉक के ऑक्साइड एंड हैलाइड से रिलेटेड है। तो देखो वेरी सिंपल है ट्रिक, पॉइंट नंबर 1 कि आपको सबसे पहले इसके ऑक्साइड या हैलाइड में डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और वो कैसे, एक ऑक्सीजन का -2 लेना है, एक हैलोजन का -1, और उसके बाद चार्ज बैलेंस कर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल Mn2O7 में मैंगनीज का निकालना है हमें, तो मैंगनीज 2 है तो 2x, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन है तो -14 = कोई चार्ज नहीं दिख रहा है 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7, डैट मीन्स यहाँ पे मैंगनीज आपका किस में, एक मैंगनीज प्लस 7 में। सिमिलरली अगर हैलाइड में निकलना हो, जैसे CrF6 दिया हमने, तो क्रोमियम का नहीं मालूम है तो x, फ्लोरीन का हैलोजन का माइनस लेना है तो -1 × 6 है तो 6, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि कोई चार्ज नहीं, तो x कितना आ जाएगा 6। तो सबसे पहले उसके ऑक्साइड या हैलाइड में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, उसके बाद अगर डिफरेंट ऑक्साइड है वन एलिमेंट का, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्साइड आपको गिवन है, तो आप फर्स्ट पॉइंट से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्जर्व करना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो ये चार चीज़ें इंक्रीज होंगी, कौन कौन, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा,
हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगा, वोलाटाइल करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? देखो एसिडिक करेक्टर तो इंक्रीज होगा ही, कोवलेंट करेक्टर क्यों? क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ेंगे, राइट, फजांस रूल से। हाइड्रोलिसिस, जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आएगा उतना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस हो सकता है, वोलाटाइल भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक करेक्टर कम होंगे जब कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो इसलिए। और इसको याद रखना भी ईजी है, देखो एसी को हाई बोलो, एसी को हाई बोलो मतलब एसिडिक, कोवलेंट, हाइड्रोलिसिस, वोलाटाइल सब इंक्रीज होंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो। एक और पॉइंट कि चूंकि ये मेटल के ऑक्साइड हैं, राइट, तो नेचर में तो ये बेसिक होंगे लेकिन धीरे धीरे इसमें एसिडिक करेक्टर आएगा, तो इसलिए स्टार्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होंगे, बीच वाले एम्फोटेरिक होंगे और उसके बाद लास्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सब एसिडिक होंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वैनेडियम के ऑक्साइड गिवन है, तो यहाँ पे वैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो पहले ये बेसिक होगा आपका नेचर में, राइट, और धीरे धीरे एम्फोटेरिक करेक्टर आएगा तो ये एम्फोटेरिक तक आपका रुक जाएगा। वैसे बाय द वे इसमें एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, राइट, तो कुछ लोग एम्फोटेरिक मानते हैं कुछ लोग एसिडिक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एसिडिक या एम्फोटेरिक दोनों कंसिडर कर सकते हैं। और ये तो एम्फोटेरिक हो गई, वैसे ही ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेस है, तो बेसिक ये वाला आपका एम्फोटेरिक है, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी, और इसमें प्लस सिक्स है तो ये एसिडिक होगा। तो ये कहने का ये पॉइंट है कि स्टार्टिंग के जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो बेसिक होंगे, मिडिल वाले एम्फोटेरिक होंगे और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो एसिडिक होंगे। उसी से एक और पॉइंट है कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट में होने का मतलब आप उससे आगे नहीं जा सकता है, तो बैक ही आ सकता है, तो रिड्यूस हो सकता है, इसलिए वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि लोएस्ट में तो उससे पीछे नहीं जा सकता, आगे आ सकता है, डेट मीन्स ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अगर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो दोनों का काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों का। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रिक के पॉइंट नंबर 4 में डी ब्लॉक में 3D सीरीज में जिंक आपका और क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान देना जिंक किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या मेटेलिक फॉर्म में और क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होता है नेचर में, डैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी। ओके, डैट मीन्स जब इस पे जिंक पे एसिड या बेस ऐड करोगे तो दोनों से रिएक्शन होगी, क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसके कंपाउंड में, तभी वो एम्फोटेरिक का काम करेगा। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो मैग्नीज के ऑक्साइड है Mn2O7, तो उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 मैग्नीज और 7 ऑक्सीजन है, राइट, पार्शियलिटी नहीं करना है, इक्वल में डिवाइड करना है, तो 3-3 ऑक्सीजन दोनों को दे दो और एक ऑक्सीजन बीच में कर दो, तो ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी देख सकते हो, 4σ0 लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसलिए इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें और क्या पूछा जा सकता है, कितने MnO Mn बॉन्ड है, तो एक है, ये ब्रिज ऑक्सीजन हो गया। इसमें नंबर ऑफ pπ dπ बॉन्ड पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो यू नो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब मैग्नीज ने s और p यूज कर लिया, तो जो भी पाई बॉन्ड बना है, ये वाले या ये वाले या ये वाले, ये सब किससे बने, डी से, तो ऑक्सीजन का p यूज होगा और मैग्नीज का d, तो ये मैग्नीज pπ dπ कितना बनाया है, 3, ये मैग्नीज भी कितना बनाएगा, 3, टोटल पूछा जाए तो 6 हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने सिग्मा है, कितने पाई हैं, एटसेट्रा, ये सब पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में देना है कि मैग्नीज टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है, 7, लेकिन सिग्मा मैक्सिमम जो बना सकता है मैग्नीज, वो 4 ही बना सकता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, 4σ, इसलिए MnF4 तो एग्जिस्ट होता है, MnF7 नहीं बनता है। इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, मैग्नीज फ्लोराइड में अगर बात करें तो सिर्फ 4σ बॉन्ड बनाने की वजह से MnF4 तक एग्जिस्ट होता है, MnF5, MnF6, MnF7 ये सब एग्जिस्ट नहीं होता है। बट वहीं पे क्रोमियम जो है वो 6σ बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, इसलिए CrF6 एग्जिस्ट होते हैं। वेनेडियम 5 बना सकता है तो VF5, तो डैट मीन्स 3D सीरीज में मैक्सिमम सिग्मा क्रोमियम बना सकता है और उसके बाद वेनेडियम, तब मैग्नीज का नंबर आता है। बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे सिग्मा एंड पाई मिला करके, तो मैग्नीज 7 तक बनाता है। एंड लास्ट पॉइंट कि 3D सीरीज में सारे के सारे MO बनाते हैं, MO मतलब मेटल के ऑक्साइड,
इस फॉर्म में वन 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 इज टू वन रेशो वाले सभी बनाते हैं एक्सेप्ट एक्सकेंडियम, डैट मीन्स एस सी ओ एग्जिस्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है एस सी ओ एग्जिस्ट नहीं होता है। जेड एन ओ मिल जाएगा, वी ओ मिल जाएगा, एम एन ओ, सी आर ओ, सब के रेस्ट ऑफ द नाइन एलिमेंट के मिल जाएंगे मोनोऑक्साइड, बट एस्केंडियम का नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक का पॉइंट। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर वन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड पूछा गया है, तो विनो कि जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, या फिर उल्टा जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे वेनेडियम आपका प्लस थ्री में, राइट, यहाँ पे वेनेडियम आपका प्लस फोर में, और यहाँ पे वेनेडियम आपका प्लस फाइव में। तो यू नो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए ज़्यादा बेसिक, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एंड उससे कम। इसी पे बेस एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये वेनेडियम के ऑक्साइड गिवन थे, इनमें मोस्ट बेसिक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो विनो की मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, V2O3, जिसमें वेनेडियम किस में है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो आपको बता रखा हूँ कि इसके S में दो और D में थ्री हैं, तो वेनेडियम प्लस थ्री मतलब S से दो निकल जाएंगे और D से एक, तो बचेगा कितना, D में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों अनपेयर्ड, तो इसलिए म्यू कितना हो जाएगा, 2 point something, राइट, नियरेस्ट इंटीजर में 2.78 भी अगर लिया तो नियरेस्ट इंटीजर में म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में ऐसा पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ MN डबल बॉन्ड O इन MN2O7, तो इसका स्ट्रक्चर आपको बता रखा हूँ, 7 हैं, 2 मैग्नीज हैं, पार्शियलिटी नहीं करना है, इक्वल डिवाइड कर देना है, तो MN डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन बीच में, फिर इधर भी सेम, तो आप देख सकते हो कितने MN डबल बॉन्ड हो गया, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब के नेचर पूछे गए, तो V2O3 में वेनेडियम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बेसिक, और क्रोमियम भी लो इसमें, तो इसमें भी ये हो जाएगा बेसिक। कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, इसलिए CrO, Cr2O3, Cr3 वाला जो होगा वो एसिडिक होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सिमिलरली इसके बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे वेनेडियम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Vo+2, SO4 पे -2, तो यहाँ पे वेनेडियम +4 में, राइट, इसका मैक्सिमम कितना होता है, +5, तो इसका मतलब ये अभी और आगे जा सकता है, तो जा सकता है तो कैसे जा सकता है, ऑक्सीडाइज होकर के, तो ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अदर को रिड्यूस करें, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्रोमियम यहाँ पे +3 में, तो ये एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, राइट, ये सब आपको ट्रिक में पॉइंट दे रखा हूँ। यहाँ पे RU का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8 आएगा, जो कि डी ब्लॉक में हाईएस्ट है और इसी का है, तो इसलिए ये एक अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। तो इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मेटल एसिड या बेस से रिएक्शन करने पे H2 दे रहा है, तो ये कौन हो सकता है, एम्फोटेरिक वाले, और कौन होते हैं, जिंक या क्रोमियम +3, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे रिएक्शन गिवन थे कि ZnO, Na2O, Na2, ZnO2, सोडियम जिंकेट, ZnO, CO2, जिंक कार्बोनेट, तो इसमें ZnO किसका काम कर रहा है, तो ये मेटल के ऑक्साइड है, तो ये बेस हो गया, राइट, तो डेफिनेटली फर्स्ट वाले में ZnO एसिड का काम करेगा, राइट, और दूसरे वाले में ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो ये एसिड होंगे, तो यहाँ पे ZnO एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से बेस का काम करेगा, तो पहले वाले रिएक्शन में एसिड का कर रहा है ये और दूसरे वाले में बेस का, तो एसिड बेस ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कि इसमें कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, यहाँ पे वो कन्फ्यूज होते हैं, बोरॉन भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, राइट, मेटोलाइट के सेंस में, बट यहाँ पे पूछने का जो उसका मेन पर्पस है कि मेटल के ऑक्साइड, क्योंकि मेटलॉइड तो एम्फोटेरिक होंगे, डैट इज ओके, वो तो अपने नेचर की वजह से है, लेकिन मेटल हो गया है तो इसलिए उस पर वो स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन डी आप टिक करके आएंगे। तो ये जितने भी प्रॉब्लम हमने लिए थे ये सब PYQ थे, देखो आपको उस ट्रिक से बहुत ईजिली बन जाएंगे। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान की बात में पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो 12th ग्रुप वाले हैं डी ब्लॉक में, डेट इज जिंक, कैडमियम और मरकरी, जैनब कनाडा होगी से आपको याद करवाया था, ये सबको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने के लिए उसके डी सबशेल में कम से कम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए या कोई एक घर खाली होना चाहिए। यहाँ पे इसका मैटन ले लो आप, ये सब का
या फिर आयन ले लो मेटेलिक फॉर्म में या आयनिक फॉर्म किसी भी फॉर्म में, इन सब में डी में 10 होगा, डी पूरा फुलफिल्ड होगा, कहीं पे भी हाफ फिल नहीं होगा या फिर कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होगा, इस वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं बोलते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, क्रोमियम में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होगा। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तीन आयन साइनाइड आयन, आयोडाइड आयन और थायोसल्फेट आयन, ये तीनों एन आयन अगर होंगे तो ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। याद कैसे रखेंगे, साइना आई थी क्यों, डैट मीन्स कॉपर प्लस टू को ये कॉपर प्लस वन में कन्वर्ट कर देता है। इन तीनों एनायन होंगे तो कॉपर प्लस वन में बनाना, डैट मीन्स सी यू टू आई टू बनेगा। इस पॉइंट पे ध्यान देना, कभी भी सी यू आई टू एग्जिस्ट नहीं होगा। वैसे ही साइनाइड होगा तो सी यू टू सी एन टू बनेगा या फिर थायोसल्फेट होगा तो सी यू टू एच टू ओ थ्री बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों एनायन होंगे तो कॉपर प्लस टू की जगह प्लस वन में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो इसको रिड्यूस कर देगा ये। एंड पॉइंट नंबर 4 डैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि डी ब्लॉक के जितने भी मेटेलिक क्रिस्टल हैं उसमें बहुत सारी खाली जगह होती हैं जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोलते हैं, नॉन स्टॉइकोमेट्रिक होता है, जो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे भी। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है उस क्रिस्टल पे कि वो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले हो जाते हैं, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खाली जगह भर गई है, राइट। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हार्ड हो जाएंगे और केमिकली इनर्ट हो जाएंगे, इन द सेंस कि अब खाली जगह बची नहीं रिएक्ट करने के लिए, सब भर गया तो इसलिए ये अब रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, बट मेटेलिक कंडक्टिविटी इसकी रिटेन रहेगी, ये मेटेलिक कंडक्टर होंगे। नेक्स्ट इज कि अगर साइज वर्सेज एटॉमिक नंबर का ग्राफ ड्रॉ करें तो वी नो लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर स्लाइटली इंक्रीज होता है, राइट। और 3D से बड़ा साइज 4D का होगा और 4D 5D अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। और अगर 3D सीरीज एलिमेंट का हमें एटॉमिक साइज का ऑर्डर याद रखना हो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कैसे याद रखेंगे, सिंपल इस निमोनिक से, सचिन तेंदुलकर जिंदगी में वो कर दिया फिर कोई नहीं किया। वी नो कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार दिया, राइट, जो अब कोई नहीं किया, तो उससे याद रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जिंदगी में वो कर दिया फिर कोई नहीं किया, तो इससे आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर याद हो जाएगा। और नेक्स्ट डैट इज लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कि एलम भी फॉर्म होते हैं, राइट। तो एलम का जो जनरल फार्मूला है वो M2SO4, क्योंकि सल्फेट पे -2 होता है, तो यहाँ पे जो M लेना है वो मोनोवेलेंट कैटायन लेना है, राइट। और M-2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे जो M- है वो ट्राईवेलेंट कैटायन, डैट मीन्स डाईवेलेंट कैटायन एलम नहीं बनाते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में सेकेंड ग्रुप वाले कभी भी एलम नहीं बना सकते। और फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, डैट मीन्स लिथियम नहीं बना सकता। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 1+1 मोनोवेलेंट कैटायन होंगे और 1+3 ट्राईवेलेंट कैटायन होंगे और 24 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, तो ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। नाउ एक एग्जांपल जैसे ध्यान से देखो, अगर मैंने अमोनियम लिया तो ये हो गया NH4 होल टू SO4, इसमें से कोई कैटायन ले लो आप, सपोज करो Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये एक एलम का फॉर्मूला हो गया। वैसे ही पोटाश एलम सब लोग जानते हैं, तो पोटाश मतलब पोटेशियम लेना है, तो K2SO4 उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसी को बोलते हैं पोटाश एलम या फिटकरी, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हम कैसे याद रखेंगे, तो रफ़ी सर के पास ट्रिक है, कैसे याद रखोगे ध्यान से देखो, पहले वाले को अमीना, अगर मैं इन दोनों को कलब कर दूं तो क्या बनाऊंगा, अमीना कब्र से बोली, कब्र से बोली इज द कनेक्टिंग वर्ड। तो ये पहले 5 कैटायन को जो मोनोवेलेंट है उसको कैसे याद रखेंगे, अमीना कब्र से बोली, क्या बोली, तो नेक्स्ट वाले को इनसे बना लेंगे, फिलहाल कोई गाकर, ये गा लिखा हुआ है, गाकर मनाए, तो इस टाइप से आप
याद रख सकते हो। अमीना कब्र से बोली, फिलहाल कोई गाकर मनाए। तो ये पांच मोनोवेलेंट कैटायन और ये पांच ट्राइवेलेंट कैटायन यही बनाते हैं एलम। जनरल फार्मूला, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्या नाम हो जाएगा, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टोटल चार ट्रिक दूंगा जिससे आप मैंगनीज के ऑक्सो एनायन से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली। तो सबसे पहले ऑक्सो एनायन का क्या मतलब है, मैंगनीज होगा, ऑक्सीजन होगा, तो वो मैंगनीज के ऑक्साइड हो जाएंगे, और अगर उस पर कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा तो वो मैंगनीज के ऑक्सो एनायंस होंगे। तो अगर मैंगनीज अपने ऑक्सो एनायन में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो कि 3D सीरीज में मैंगनीज का ही सबसे ज़्यादा होता है +7, राइट, तो फिर उसका नाम रखेंगे हम परमैंगनेट। और अगर हाईएस्ट से एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, डेट इज +6, तो उसका नाम होगा मैंगनेट। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि चूंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डैट मीन्स एस से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और डी से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब इसके डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी जीरो कॉन्फिग्रेशन है, इसलिए इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा नेचर में। वहीं पे जो मैंगनेट है उससे 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एस से 2 गया, डी से 4 गया, तो अभी भी डी में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। नाउ द पॉइंट इज MnO4- माइनस डेट इज पर मैंगनेट को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे आप, तो फिर वो स्टेबल है, फिर वो उसी फॉर्म में रहेगा। इसलिए ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्लियरली दिखाया MnO4- और एसिडिक सॉल्यूशन अपने बस क्रिएट किया, उसके अलावा और कुछ उसमें ऐड नहीं किया आपने, तो फिर वो उसी फॉर्म में रहेगा। वैसे ही MnO4-2 जो है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल है, डैट मीन्स MnO4-2 रख दिया और बेस आपने ऐड कर दिया, सिर्फ डैट सीट, और कुछ ऐड नहीं किया, तो वो इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर MnO4- जो परमैंगनेट है उसमें आपने बेस डाल दिया, तो क्या होगा, फिर वो MnO4-2 में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि MnO4-2 बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। वैसे ही MnO4-2 में अगर आपने एसिड ऐड कर दिया, तो वो MnO4- में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में MnO4- स्टेबल है एंड बेसिक मीडियम में MnO4-2 स्टेबल है। दोनों का कलर भी हमें याद रखना है, MnO4- पर मैंगनेट का कलर पर्पल होता है, पी से पर मैंगनेट, पी से पर्पल, और बेस ऐड करेंगे इस पर्पल वाले कलर में, अगर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे तो वो किस में चला जाएगा, ग्रीन में। डैट मीन्स MnO4-2 का कलर कैसा है, ग्रीन। याद कैसे रखेंगे, सिंपल ट्रिक, पबजी का क्या मतलब है, यहाँ पे पीयू से पर्पल कलर बेसिक मीडियम में ग्रीन हो जाएगा, तो याद हो गया। एंड वाइस वर्सा, अगर ग्रीन कलर है एसिडिक मीडियम आपने ऐड किया, तो वो किस में चला जाएगा, पर्पल कलर में। तो ये राइमिंग वर्ड्स आप याद रख सकते हो। दूसरा एक यहाँ पे ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ एक माइनस है, एक और माइनस ऐड किया तो -2 हो गया, जस्ट कनेक्शन है और कुछ नहीं, बस। वैसे ही -2 था, एक प्लस ऐड किया तो -1 बचेगा। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो कि MnO4- में OH- बेसिक मीडियम ऐड करोगे तो MnO4-2 में चला जाएगा। नाउ यहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन है, ये कलरफुल है, ये बातें सबको क्लियर होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेंगे, बट यहाँ पे डी में 0 होने के बाद ये कलर शो कर रहा है, उसके पीछे रीजन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिगेंड का काम करता है और वो मेटल डैट इज मैग्नीज को चार्ज ट्रांसफर करता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से MnO4- कलर शो करता है। बाय द वे इसको कलर शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, तो MnO4- हो या MnO4-2 हो, दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, रेजोनेंस होने की वजह से सारे मैग्नीज ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होंगे, राइट। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, और स्ट्रक्चर को हमने यहाँ ड्रॉ करके भी दिखाया है। तो आई होप ये ट्रिक नंबर 1 आपको क्लियर होगा, इससे बाहर कुछ नहीं बेटा, इतने पॉइंट को आपको ध्यान में रखना और इजी वे में समझाया, ट्रिक दिया कैसे याद रखना है। पॉइंट नंबर 2 कि सर
जो आपने इतना पढ़ाया तो इसको बनाएंगे कैसे। तो वेरी सिंपल है, आप मैंगनीज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड ले लो, डेट इज पायरोलुसाइट, इसका कॉमन नेम है पायरोलुसाइट, डेट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड ले लो आप, और उसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में, ध्यान दो बेसिक मीडियम क्रिएट करना है, जरूरी नहीं है कि सर ने यहाँ पे KOH लिखा है तो KOH ही आएगा, आप कोई भी बेसिक मीडियम क्रिएट कर दो, Na2CO3, K2CO3, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप क्रिएट करो और ऑक्सीजन दो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस फाइव में। तो फंडा समझ गए, पायरोलुसाइट ओर को बेसिक मीडियम में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एयर भी ऑक्सीजन पास करोगे तो आपको पहले क्या मिलेगा, K2MnO4। क्यों मिला सर? क्योंकि आपने बेसिक मीडियम क्रिएट किया, अभी बताया बेस में कौन स्टेबल है, MnO4-2, तो इसलिए K2 आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो ये MnO4-2 मिलेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन इसलिए ये पहले मिलेंगे। सर अभी हमको तो चाहिए था MnO4-, तो अब क्या करें, तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप क्या करो इस MnO4-2 जिसमें ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके MnO4- में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस से बना सकते हो, या फिर इसमें अभी आपको बताया एसिड ऐड कर दो, H+ एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दो, या न्यूट्रल मीडियम भी क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ये प्लस सिक्स वाले प्लस सेवन में आ जाएंगे, राइट, और प्लस फोर वाले फिर से बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही मैंगनीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि MnO4-2 को अगर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में आप छोड़ दोगे तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, और उस केस में ये अपने हाइएस्ट प्लस सेवन में चला जाएगा और उसके बाद एक प्लस फोर में, जहाँ से इसको क्रिएट किए थे। तो ये पॉइंट है सर, इतना क्यों झंझट पालना, कोई डायरेक्ट मेथड बताओ, तो डायरेक्ट मेथड भी है बेटा, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, Mn+2 वाला कोई भी कंपाउंड उठाना पड़ेगा जिसमें मैग्नीज प्लस टू में हो, जैसे MnCl2 एटसेट्रा, राइट, और आपको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पर ऑक्सी लिंकेज हो, डेट मीन्स अगेन वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो वो लेना पड़ेगा आपको, और एसिडिक मीडियम आपको क्रिएट कर देना है, क्यों, क्योंकि पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो क्या मिलेगा, मैंगनीज यहाँ प्लस टू से डायरेक्ट आपका प्लस सेवन में चला जाएगा, आपको मिल जाएगा MnO4- पर मैगनेट, और ये सल्फेट एज इट इज रहेंगे, और ये एसिडिक मीडियम क्रिएट किया हुआ इसलिए H+ आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है सर, चेंज किस में हुआ है, ऑक्सीजन जो यहाँ पे दो ऑक्सीजन -1 पर ऑक्सी लिंकेज था, वो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ जो यहाँ पे -2 में आ गया है, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है, डायरेक्ट बनाना हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में हम ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गए मेरे दो ट्रिक, इससे बाहर कुछ नहीं है, दो और ट्रिक बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको ऑक्सो एनायन से कोई भी प्रॉब्लम हो आप वेरी क्विकली एंड वेरी इजिली कर लोगे। पॉइंट नंबर 3 कि KMnO4 को अगर आप हीट करोगे 513 केल्विन, डैट मीन्स 500 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर रखा केल्विन में, तो आपको K2MnO4 डैट मीन्स प्लस सिक्स वाला मिल जाएगा, MnO2 डैट मीन्स प्लस फोर वाले मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन मिलेगा। वैसे भी ऑक्सीजन मिलेगा ही क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसी वजह से बोलते हैं, अगर मैंगनीज अपने हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, राइट, क्यों, क्योंकि उसके आगे जा नहीं सकता तो उसको पीछे आना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि KMnO4 को जब भी हीट करेंगे तो प्लस सिक्स वाला कंपाउंड मिलेगा, प्लस फोर वाला और ऑक्सीजन आपको मिलेंगे, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट नंबर 4, MnO4- पर मैग्नेट आयन एक ऐसा आयन है जो तीनों ही मीडियम में वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो एसिडिक मीडियम में इसका कैसा वर्किंग होगा, न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में इसका कैसा होगा, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इसका कैसा होगा वर्किंग, उसको मैंने क्लियरली लिस्ट आउट किया है और सिंपल ट्रिक से कनेक्ट किया। आपको क्या ध्यान देना है, अगर एसिडिक मीडियम में MnO4- को आपने यूज़ किया तो वो खुद कहाँ चला जाएगा, प्लस टू में, वो खुद कहाँ चला जाएगा, प्लस टू में, डैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज हो चुका है। और दूसरे को क्या करेगा, तो चूंकि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ही काम कर सकता है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू यूनिट से इंक्रीज करा देना है।
अगर जहाँ पे प्लस टू की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर उसको उसके हाईएस्ट में लेके जाना है, या फिर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन का आपको चेंज कराना है एसिडिक मीडियम में। ये तीन पॉइंट्स आप कर लोगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे हेलाइड आयन है एक्स माइनस, तो ये माइनस वन में, तो ये माइनस वन से जीरो में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज तो वन का हुआ, लेकिन बैलेंस करोगे तो दो हेलोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो आप देख सकते हो ये पॉइंट हमारा लग गया। या तो दो इलेक्ट्रॉन का चेंज कराना है, या ऑक्सीडेशन स्टेट को दो से बढ़ाना है, या फिर जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो हाईएस्ट तक ले जाना है। जैसे दूसरा C2O4 माइनस टू ऑक्सीलेट, यहाँ पे कार्बन प्लस थ्री में, और वी नो कार्बन का मैक्सिमम फोर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हाईएस्ट तक ले जाना है, तो कार्बन प्लस फोर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चला गया, C2O4- CO2 में, तो प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा जा सकता है, बैलेंस रिएक्शन एटसेट्रा आपसे पूछा जा सकता है। और ये पर्पल कलर आपका क्या हो गया, एक तरह से कलरलेस, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, तो ये हो गया कलरलेस आपका। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि डीकलराइज हो गया। नेक्स्ट S-2, आप ध्यान से देखो, सल्फर माइनस टू में प्लस दो से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कराना है, तो माइनस दो से प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो में आ जाएगा, तो आपको सल्फर मिल जाएगा। H2O2 में ऑक्सीजन खुद माइनस वन में है, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है, ये जीरो में, राइट। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का आपका चेंज हुआ है, ये वाला पॉइंट लग गया। आयरन प्लस टू में, यू नो आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट लग जाएगा कि नॉट पॉसिबल, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना है। NO2 माइनस, यहाँ पे नाइट्राइट आयन प्लस थ्री में, जिसको नाइट्रेट प्लस फाइव में ले जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट दो से बढ़ गया थ्री से फाइव में। SO32 माइनस, सल्फर यहाँ पे आपका प्लस फोर में, तो सल्फेट प्लस सिक्स में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट दो से बढ़ा दिया। तो इतने ही आयंस का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा भागना नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक पॉइंट और ध्यान देना कि अगर मैं MnO4 माइनस में सपोज करो इधर वाला कुछ भी ऐड करता, सल्फेट नाइट्रेट या Fe+3, तो इन सबको कुछ नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, राइट। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, ये भी हाईएस्ट है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। कहने का क्या मतलब है कि MnO4 माइनस की रिएक्शन अगर आपने NO3 माइनस से कराया तो नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि आप ही बताओ, ये भी हाईएस्ट प्लस सेवन में और ये भी हाईएस्ट प्लस फाइव में, तो कोई एक ऑक्सीडाइज होगा तब ना दूसरा रिड्यूस होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, तो यहाँ पे तो दोनों ही अपने हाईएस्ट में, राइट, दोनों ही बैक आना है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला कोई है ही नहीं, तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको कैसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा विच कैन नॉट रिएक्ट विथ MnO4 माइनस, तो वो सारे कंपाउंड रिएक्ट नहीं होंगे जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, ध्यान दे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली न्यूट्रल या फेंटली एल्काइन वर्ड कहीं पे भी लिखा हो तो वहाँ पे आपका MnO4 माइनस प्लस सेवन से प्लस फोर में आ जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, डैट इज एन फैक्टर एक्चुअली। और यहाँ पे जो चेंजेज है वो ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगे, यहाँ पे चेंजेज है एक्स माइनस में, एक्स माइनस XO3 माइनस में चला गया, डैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, पहले एक्स माइनस जो आपका वो X2 में कन्वर्ट हुआ होगा, और आपको पी ब्लॉक में ट्रिक दे रखा हूँ कि हेलोजन बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करते हैं, तो वो माइनस वन और प्लस फाइव में चला जाता है, और ये माइनस वन वाला फिर से X2 में कन्वर्ट होगा, और इस तरीके से होते होते सिर्फ आपको क्या मिलेगा, XO3 माइनस, डैट मीन्स हेलोजन प्लस फाइव में चले जाएंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान देना है कि अगर Cl- Br- I- को न्यूट्रल या फेंट्री एल्कलाइन मीडियम में MnO4- से रिएक्ट कराओगे तो आपको ClO3- मिलेगा, डैट मीन्स क्लोरीन प्लस फाइव में चला जाएगा, या ब्रोमीन प्लस फाइव में, या आयोडीन प्लस फाइव में। रीजन कि पहले तो X2 ही मिलता है, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन ही बनेगा, लेकिन बेसिक मीडियम होने की वजह से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और जिसकी वजह से वो प्लस फाइव में चला जाता है, और फिर ये एक्स माइनस फिर से X2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान देना है, H2O3 2- थायोसल्फेट हो गया, तो यहाँ पे सल्फेट SO4- 2 में वही सेम पॉइंट, H2O2 में माइनस वन से जीरो में सेम पॉइंट है, तो बाकी सारा सेम पॉइंट है, ओनली यहाँ पे चेंजेज है, ये ध्यान देना है। नाउ इसको हम कैसे याद रखेंगे कि किस मीडियम में ये कहाँ जाएगा, तो उसको वेरी सिंपल ट्रिक से मैंने कनेक्ट किया, MnO4- खुद प्लस सेवन में, पहले आपको pH स्केल पे एसिडिक मिलेगा, फिर न्यूट्रल, फिर बेसिक, तो एसिडिक में ये प्लस टू में चले जाएंगे, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान देना, प्लस सेवन से प्लस टू में चले जाएंगे, ये
न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन में, प्लस फोर में, और स्ट्रांगली बेसिक। ध्यान दें, जब तक क्वेश्चन में स्ट्रांगली बेसिक नहीं लिखे आपको न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन लेकर के चलना है। स्ट्रांगली बेसिक में ये प्लस सिक्स में चला जाएगा। और कनेक्शन कैसे देखो, टू का टेबल है, टू फोर सिक्स, तो ये इजीली याद हो जाएगा, टू फोर सिक्स, राइट, टू का टेबल हो गया। ये भी इजीली याद हो जाएगा, पीएच स्केल में पहले एसिडिक, लो पीएच, फिर न्यूट्रल, उससे ज़्यादा पीएच, फिर बेसिक, उससे ज़्यादा पीएच, तो ये भी याद हो जाएंगे। और ये तो प्लस सेवन में है, तो यहाँ से तुम्हें एन फैक्टर भी याद हो गया। अगर ये सेवन से टू में गया है तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फाइव। अगर न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन में बात करें तो सेवन से फोर में गया है तो एन फैक्टर थ्री, तीन का चेंज हो गया। और स्ट्रांगली बेसिक में सेवन से सिक्स में गया तो चेंज कितने का हुआ, वन का, दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये हो जाएगा आपका वन। तो एन फैक्टर भी पूछा जा सकता है, ये भी पॉइंट ध्यान देना है। रेडॉक्स या इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम इससे पूछे जा सकते हैं। अगेन इसको भी कैसे याद रखेंगे, तो आप इस सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो, बैन 153, डेट मीन्स 153 को बैन कर दो, ऐसा करके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये मेरा ट्रिक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब हम इस पे बेस एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में MnO4- माइनस की रिएक्शन I- माइनस से एसिडिक मीडियम में कराएंगे, तो अभी आपको बताया था I2 बनेगा, लेकिन वहीं पे फेंटली एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में कराएंगे तो पहले I2 बनता है और फिर बेसिक मीडियम में I2 डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है तो क्या बनेगा, IO3 माइनस। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे खुद MnO4 माइनस किस में चला जाएगा, Mn+2 में, यहाँ पे ये खुद किस में आ जाता है, MnO2 डेट इज +4 में। तो बहुत तरीके से रिलेट कर सकता है, क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू में वर्ड फॉर्म में गिवन था कि पर मैगानेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो पर मैगानेट मतलब आपको मालूम है MnO4 माइनस डेट इज +7, मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 डेट इज +4, तो 7 से 4 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। सिमिलरली MnO4 माइनस H+ एसिडिक मीडियम में A और B दे रहा है, तो ये आपको बताया था ट्रिक में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, तो एक क्या बन जाएगा -2 वाला, तो एक होगा MnO4 माइनस और एक बनता है MnO2। क्वेश्चन में ये था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का A में ज़्यादा है B से, तो B में मैग्नेटिक मोमेंट, तो B कौन हो गया, MnO2, MnO2 में ये +4 में है, +4 होने का मतलब S से 2 इलेक्ट्रॉन गया, D से 2 गया, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3, और 3 हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में आपको बता रखा हूँ डायरेक्ट कितना बोलना है, 4, क्योंकि 3.78 होगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास हो गया। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। अगर A में पूछता तो क्या हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्यों, 0 ही, क्यों, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में MnO4 माइनस अगर थायोसल्फेट से रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो आपको बता रखा हूँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये पूछा गया था, तो सल्फेट बनेंगे, राइट, इस टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। 5 में अगेन MnO4 H2O2 से बेसिक मीडियम में करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्रोडक्ट में क्या होगा, तो प्रोडक्ट में बेसिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट में ये कितना हो जाएगा, MnO2 में आ जाएगा, डेट इज +4 में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे पूछ सकता है। H2O2 खुद कहाँ चला जाएगा, क्या मिलेगा, O2, ऐसे पूछा जा सकता है, राइट, या इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हुआ ये पूछ सकता है, तो आंसर हो जाता है 3। तो इसी टाइप से कनेक्ट करेगा, कंसेप्ट वही रहेंगे। 6 में KMnO4 अगर ऑक्सैलिक एसिड से करेगा तो अगेन क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो आपको मालूम ही है CO2 में, इसमें पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हुआ, तो 3 से 4 में गया ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का चेंज हुआ, इस टाइप से पूछा जा सकता है। एसिडिक मीडियम है क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है खुद, तो Mn कहाँ चला गया होगा, Mn+2 में, इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ, तो आप देख सकते हो 7 से ये 2 में गया तो 5 का चेंज हुआ, N फैक्टर कितना है, 5 है, खुद मैग्नीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, राइट, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। 7 में Fe+2 और MnO4- एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेंगे तो यू नो Fe+2 किस में चला जाएगा, बता रखा हूँ +3 में, हाईएस्ट में, और MnO4- एसिडिक मीडियम में तो किस में आ जाएंगे, +2 में, इस टाइप से आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन गिवन होंगे। यहाँ पे ध्यान देना Fe+2 का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन से ये किस में चला गया है, येल्लो कलर में, कभी कभी कलर से भी कनेक्ट कर सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये जो पर्पल कलर था वो कलरलेस हो गया, राइट, ऐसे
पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन नंबर एट में कोई एक्स है, मैंगनीज के कंपाउंड है, उसको हीट किया 513 केल्विन पे, तो वाई मिला M1O2 और O2। तो डेफिनेटली ये आपको बता रखा हूँ, एक्स कौन होगा K1O4 पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करेंगे तो वाई क्या मिल जाएगा आपको, K2MnO4 राइट मैंगनेट वाला। और फिर MnO2NaCl Cl-1 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा राइट, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे तो Cl- किस में चला जाएगा, Cl2 जिसका पंजेंट स्मेल होता है, तो ये सब से कनेक्ट कर सकता है। तो आपको एक्स वाई जेड पूछा जाता है तो एक्स हो जाता K-4, वाई K2-4 और जेड हो जाता आपका Cl2। तो आप ध्यान से देखो, मैंने सारे PYQ लिए हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे इस पे बेस्ड जो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में ए की रिएक्शन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो बी मिल रहा है, बी को HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो C मिल रहा है, और C को H2 एंड KI से करा रहे हैं तो A और D मिल रहा है, तो A एंड D रेस्पेक्टिवली क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करना है, अगर A की रिएक्शन बेसिक मीडियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो B और ग्रीन कलर है, डेट मीन्स ये कौन हो गया MnO4-2, तो डेफिनेटली ये कौन होगा MnO2 पायरोलुसाइट, आपको बता रखा हूँ ट्रिक में, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ख़त्म हो गया राइट। अगर और करना चाहते हो तो बहुत ईजी है, MnO4-2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो ये MnO4- बनेगा MnO2 और वाटर डिसप्रोपोर्शनेशन राइट। फिर उसके बाद MnO4- की रिएक्शन H2O एंड KI से, ध्यान से देखो यहाँ पे मीडियम कौन सा क्रिएट किया गया, बेसिक, तो अगर बेसिक मीडियम है तो MnO4- खुद किस में आ जाएगा, MnO2 में राइट, प्लस 4 वाले में जो आपको बता रखा हूँ, इसलिए फिर से वो A हो गया आपका। और D कौन होगा, बेसिक मीडियम है, I- किस में चला जाएगा, IO3- में, डेट इज KIO3, तो इसलिए ऑप्शन B होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। नाउ इस पे बेस्ड मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम ही पूछे जा सकते हैं, जैसे MnO4- C2O4-2 से रिएक्ट करेगा तो पहले प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो एसिडिक मीडियम हो गया राइट, अगर एसिडिक मीडियम है तो खुद Mn+2 में आ जाएंगे और C2O4 से आपको CO2 मिल जाएगा। क्वेश्चन अब ऐसे दे सकता है कि अगर ऑक्सैलिक एसिड के हम 4 मोल लिए तो इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने, तो सबका सेम फंडा आपको बता रखा हूँ, किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट होते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल आपको गिवन है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हुआ इंटू नंबर ऑफ एटम। तो जैसे इसका इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो मोल हो गया 4, एन फैक्टर ध्यान से देखो चेंज आपको देखना है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे Cl+4 में, ऑक्सीजन का क्यों नहीं देखे, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है राइट, तो उसका चेंज 0 हो गया क्योंकि चेंज आपको लेना है। तो +3 से +4 में गया तो चेंज कितना हो गया, 1 का, और नंबर ऑफ एटम कार्बन के कितने, 2, तो कितना हो जाएगा 8 इक्विवेलेंट। अगर इसका 8 इक्विवेलेंट है तो इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट, इसका भी कितना होगा 8 इक्विवेलेंट। अब अगर हमसे मोल पूछा जाए तो वही पॉइंट कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मिल चुका है, तो अगर मुझे इसका मोल निकालना तो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम है तो एक्स, एन फैक्टर इसका निकालो, ये +7 से 2 में गया, चेंज कितने का हुआ 5 का, तो 5, और इसके एटम कितने ध्यान से देखो एक ही है, जिसका निकाल रहे हो उसका एटम आपको लेना, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा x 8/5। सिमिलरली अगर मुझे इसका निकालना तो ध्यान से देखो 8 इज इक्वल टू, मोल नहीं मालूम तो x, n फैक्टर, तो चेंज तो अभी भी 1 का रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 से 4 में गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ध्यान से देखो इसका हम निकाल रहे हैं तो एक ही है, तो इंटू 1, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा 8, तो डेट मीन CO2 के 8 मोल्स मिलेंगे आपको, Mn+2 वाले कंपाउंड के 8/5 मोल्स मिलते। अगर इसका कितना मोल्स रिक्वायर्ड होगा तो 8 इज इक्वल टू, मोल्स नहीं मालूम x, n फैक्टर, चेंज 5 का हुआ, एटम यहाँ पे भी इसके एक ही है, तो इंटू 1, तो इसका भी हो जाएगा 8/5 मोल्स राइट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वेरी क्लियरली आपको समझना है। अगर एक से ज़्यादा एटम का चेंज होता तो सबका चेंज इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके क्या कर देते, समेशन लगा देते। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम आपको क्लियर होंगे, आप सारे PYQ को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब जाते जाते ज्ञान की बात, और ज्ञान की बात में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो एज एसिडिक मीडियम आप HX डैट मीन्स HCl, HBr, HI यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे KMnO4
और ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन करा रहे हो, दैट मीन्स इसका नोन अमाउंट है और इसका आप अमाउंट जानना चाह रहे हो, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। तो HCl आप यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या होगा कि केवनोफोर इससे तो रिएक्ट करेगा ही और इससे भी कर देगा, Cl- को Cl2 में कर देगा, तो जिससे आपको जो अमाउंट मिलेंगे वो दोनों से रिएक्ट वाले, तो एरर आएगा आपके कैलकुलेशन में, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या यूज करना चाहिए, ऐसा एसिड यूज करो जिसमें वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे H2SO4 या HNO3, क्योंकि उसको फिर उससे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, तो जो भी इसका कंपाउंड रिएक्ट होगा वो सिर्फ इससे, तो हम इक्विवेलेंट कांसेप्ट से निकाल सकते हैं कि इसका कितना प्रेजेंट था, तो इसलिए ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि विनो HMnO4 को पर मैंगनिक एसिड बोलेंगे, राइट, और ये हीट करने पे वाटर बाहर दे देगा, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर बाहर जाने मतलब दो हाइड्रोजन है, तभी दो हाइड्रोजन हो पाएंगे, तो आप देख लो क्या बचेगा, Mn2O7, तो आपको ये मैंगनीज के ऑक्साइड मिल जाएंगे, राइट। और तीसरा पॉइंट डेट इज अगेन इंपॉर्टेंट कि MnO4- जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो खुद +2 वाले सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देता है एज ए कैटलिस्ट, जिंक सल्फेट या जिंक ऑक्साइड लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिंक +2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका कुछ नहीं हो सकता, सल्फेट में भी सल्फर +6 में उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो खुद Mn+2 से कहाँ चलाएगा, +4 में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद MnO4- +7 वाला Mn+2 के सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूं उससे आप ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे और बहुत फास्टली भी। तो ध्यान से देखें, टोटल 6 पॉइंट बताने जा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कि क्रोमियम जब भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 6 होता है क्रोमियम का, अगर उसमें होगा तो उसके नाम के पीछे 8 वर्ड लगाना है, राइट, एनायन में, तो यहाँ पे एक क्रोमियम है तो सिर्फ नाम रहेगा क्रोमेट, और यहाँ पे दो क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट, ओके। अब दोनों एग्जिस्ट कैसे होंगे वो ध्यान से समझो, बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट होगा और एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, उसको कैसे याद रखेंगे, देखो सिंपल ट्रिक से, CrO4- 2 को हम बोलते हैं क्रोमेट, उसमें अगर मैं एसिड ऐड कर दूंगा H+, ये एरो दिखा रहा है, देखो अगर एसिडिक की तरफ बढ़ रहो तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइक्रोमेट, और उसको याद कैसे रखेंगे, बुआ वर्ड से, राइट, वो पबजी था KMnO4 और यहाँ पे बुआ, तो बुआ का मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येल्लो हो जाएगा, डैट मीन्स ध्यान से देखो ये ऑरेंज कलर का है, कौन, Cr2O7-2, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, इसमें अगर मैंने बेस ऐड किया, ध्यान से देखो OH- तो एरो इधर जा रहा है, तो क्रोमेट डैट मीन्स येल्लो में आ गया, तो कैसे याद रखेंगे, बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येल्लो हो जाएगा, तो कलर याद हो गया, और बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येल्लो हो गया मतलब आपका येल्लो कलर स्टेबल है, बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट होता है, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट। एक और पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे कि दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, राइट, दैट मीन्स D0 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक होगा, कलर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो ABCD वर्ड से, ABCD का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, B फॉर बेसिक, C फॉर क्रोमेट, बेसिक मीडियम में क्रोमेट होगा, A फॉर एसिडिक, D फॉर डाइक्रोमेट, तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट होगा, तो वेरी सिंपल है, ABCD सबको याद रहता है, तो BC से बेसिक में क्रोमेट और फर्स्ट एंड लास्ट एसिडिक में डाइक्रोमेट, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 ये है जिसको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, राइट, क्यों, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इससे आगे नहीं जा सकता, पीछे ही आ सकता है, तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में वर्क करता है, डैट इज एसिडिक मीडियम, जबकि KMnO4 एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल तीनों मीडियम में वर्क करता था, ये सिर्फ एक मीडियम में वर्क करता है, और जैसे उसका वर्किंग था एसिडिक मीडियम में वैसा ही इसका भी है, +2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना है या 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कराना है, राइट, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सल्फर +4 में है तो किस में आ जाएगा, +6, राइट, सल्फाइड से सल्फेट, यहाँ पे सल्फर -2 में है तो 0, 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देना, और खुद ये कहाँ पे आ जाएगा, +3 में, जिसमें इसका कलर क्या होता है, ग्रीन, ध्यान रखना यहाँ पे इसका कलर ग्रीन होता है, यहाँ तो आपको मालूम ही है ऑरेंज कलर का होगा, ये SO2 सल्फर +4 में तो किस में आ जाएगा, डेफिनेटली +6 में,
आई माइनस आयोडाइड आयन या बी आर माइनस होगा तो आपको क्या बनाना है, आई टू या फिर बी आर टू। यहाँ पर हमने सी एल माइनस नहीं लिखा है क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है जो मैं बात करूँगा। टीन प्लस टू में होगा तो प्लस फोर में, आयरन प्लस टू होगा तो फिर प्लस थ्री में, क्योंकि यही इसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही C2O4 माइनस टू ऑक्जेलिक एसिड होगा तो किस में चला जाएगा, CO2 में। तो सेम कंडीशन है, सिर्फ Cl माइनस में चेंज हो जाएगा, जिसको हमको ध्यान से देखना है। तो ये है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर में वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, आपको क्रोमाइट ओर लेना है। क्रोमाइट ओर इज ए मिक्सचर ऑफ यहाँ पे आयरन के ऑक्साइड एंड Cr2O3, इन दोनों को मिला दोगे तो ये मिल जाएगा। तो क्रोमाइट ओर की रिएक्शन जब भी बेसिक मीडियम में, ध्यान से देखो, जरूरी नहीं कि Na2CO3 लिया तो Na2CO3 लेना, बेसिक मीडियम क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। तो बेसिक मीडियम में आइदर ऑक्सीजन एयर पास कर दो या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, पहले क्रोमेट, क्योंकि बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में कौन होता है, क्रोमेट, येल्लो कलर का आपको क्रोमेट मिल जाएगा, राइट। आयरन यहाँ पे प्लस टू में था, वो भी प्लस थ्री में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में पास कर दूं, तो पॉइंट नंबर वन, एसिडिक मीडियम में पास करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डाइक्रोमेट, राइट। और सोडियम वाला मिलेगा जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इससे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एरर आ जाएगा आपके रीडिंग में, राइट। तो इसलिए फिर हम इसको KCl सॉल्यूशन से पास करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारा काम का है, राइट। तो ये बनाने का मेथड को भी ध्यान में रखना है कि क्रोमाइट ओढ़ लिया, बेसिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले बेसिक मीडियम होने की वजह से क्रोमेट, फिर उसको एसिडिक मीडियम में पास किया तो डाइक्रोमेट, और फिर KCl सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि Na वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है और ये लेस सॉल्युबल है, तो ये पॉइंट सब भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी सिंपल, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, दो टेट्राहेड्रल यूनिट हो गए, ये जो 6CrO बॉन्ड है, ये 6CrO बॉन्ड, ये इक्वल होंगे ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। तो CrO बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, ऐसा पूछा जा सकता है। इस पॉइंट के अबाउट ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, ये पूछा जा सकता है। ये एंगल 126 डिग्री होता है, वो पूछा जा सकता है। नॉन लीनियर हो गया, ये टेट्राहेड्रल है, राइट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे क्योंकि एस और तीनों पी यूज हो गया है, तो जो भी पाई बॉन्ड बना वो क्रोमियम के डी और ऑक्सीजन का पी यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब पूछा जा सकता है। दोनों ही, चाहे वो क्रोमेट लो या डाइक्रोमेट लो, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, इसकी वजह से डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा। नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर सिक्स, कि अगर आप ये जो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cr2O7-2, इसकी रिएक्शन NaCl कहने मतलब कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट लो आप, यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट मतलब Cl- होना चाहिए और कटायन ऐसा लेना जो वाटर में सॉल्युबल हो, डैट मीन्स डी ब्लॉक का नहीं लेना, जैसे AgCl ये नहीं ले सकते, या मरकरी के क्लोराइड, ये सब नहीं लेना आपको। तो इसलिए अगर सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन क्लोराइड का हो तो यहाँ पे Cr2Cl2 मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, और इसका ऑरेंज रेड वेपर आता है, राइट। तो ये कलर भी ध्यान में रखना है। तो जब भी Cl- को, इसलिए मैंने यहाँ पे Cl- का जिक्र नहीं किया है, Br- या I- होगा तो I2Br2, बट Cl- सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगा तो आपको क्रोमाइल क्लोराइड बनाना है जो ऑरेंज रेड वेपर देता है आपको, या HCl भी होता, वो भी एक सॉल्युबल एसिड हो गया, तो भी आपको क्रोमाइल क्लोराइड मिलेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना, फिर से क्रोम के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स है तो फिर से डायमैग्नेटिक होगा, D0 है, μ0 है, ये सब। तो इस पे बेस पूरा क्वेश्चन आपका रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया, विच कैन टर्न K2Cr2O सोल्यूशन ग्रीन, तो राइट, कौन कर सकता है, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस सिक्स में, तो राइट, तो वो कर सकता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर आगे इंक्रीज हो सकता है। CO2 में ऑलरेडी कार्बन प्लस फोर में, इससे आगे नहीं जा सकता, राइट, तो ये नहीं हो सकता है। SO2 में सल्फर प्लस फोर में, जो प्लस सिक्स में जा सकता है हाईएस्ट में, तो यही हो जाएगा। SO3 में तो ये खुद प्लस सिक्स में, नो रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन ऑल नहीं हो सकता। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर K2Cr2O7 की रिएक्शन SO2 से कराए तो सॉल्यूशन का कलर कैसा आएगा, तो ग्रीन आ जाएगा, इस टाइप से पूछा जा सकता है। सब आपको अभी ट्रिक में बताया हूँ।
क्वेश्चन नंबर टू में FeCr2O4 Na2CO3O2 gives you a Fe2O3CO2 और फिर A को एसिडिक मीडियम में पास किया तो B, B में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, तो ये एग्जैक्टली आप ध्यान से देखो तो ये क्रोमाइट और हो गया जिसमें ये पहले क्या बनेगा Cr4-2, Cr4-2 को एसिडिक मीडियम में तो B क्या बन जाएगा Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन, अभी आपका स्ट्रक्चर बताया तीन उस साइड और तीन इस साइड, टर्मिनल पूछा है कॉर्नर वाले, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। इस टाइप से इंटीजर टाइम में पूछा जा सकता है। फिर डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन क्रोमेट, तो क्रोमेट कौन हो गया Cr4-2 एंड डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट कौन हो गया Cr2O7-2, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, दोनों में ये प्लस 6 में, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से इंटीजर टाइप में पूछा गया, तो आप देख सकते हो स्ट्रिक से इजीली हो जाएंगे। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसी में इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो यू नो क्रोमेट में 4 हो जाएंगे, Cr और O के बीच पूछा गया था क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के बीच, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, तो क्रोमेट में 4 हो जाएंगे, डाइक्रोमेट में उस क्रोमियम के पास 4 और इस क्रोमियम के पास 4, तो टोटल कितना हो गया 4+4+4 दैट इज 12। इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कलर जो KMnO4 शो करता है या K2Cr2O7 वो किस वजह से, क्योंकि इसमें तो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, कलर शो नहीं करना चाहिए, तो किस वजह से करता है ये ट्रिक में बता रखा हूँ। लिगेंड ऑक्सीजन जो है जिसपे माइनस चार्ज है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में विच विल नॉट फॉर्म वेन K2Cr2O7 रिएक्ट विथ H2S, तो सल्फर -2 में तो वहाँ से 0 में आ जाएगा, तो ये तो फॉर्म होगा। क्रोमियम +6 से +3 में आएगा, तो Cr2SO4 होल थ्राइस, यहाँ पे क्रोमियम +3 में ये फॉर्म होगा, तो ये यहाँ पे क्रोमियम +2 में यही फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि K2SO4 तो बनेगा ही, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ये SO4 कहाँ से आ गया सर, तो एसिडिक मीडियम लोगे तभी होगा, राइट। सिमिलरली K2Cr2O7 सॉल्यूबल क्लोराइड ब्राउन रेड वेपर मिल रहा है, तो ये कौन हो सकता है क्रोमाइल क्लोराइड डेट इज Cr2Cl2 डेट इज ऑप्शन सी। तो यही सब क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली कर सकते हो, आपको जो वो 6 पॉइंट दिया है उससे बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान से देख लो। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर डाइक्रोमेट की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड से एसिडिक मीडियम में कराएंगे लो टेम्परेचर पे, ध्यान दे टेम्परेचर लो रखना आपको, तो Cr5 मिलेगा, डीप ब्लू कलर मिलेगा, कलर भी ध्यान में रखना पूछा जाता है, डीप ब्लू कलर मिलेगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CrO O2 होल 2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, राइट, क्यों, क्योंकि क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाएगा, राइट, और 6 बॉन्ड बनाएगा तो देख सकते हो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जो परऑक्सी लिंकेज है ये भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे 2 परऑक्सी लिंकेज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर, इसका कलर और किस कंडीशन में बनेगा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 डेट इज अगेन वेरी सिंपल, और इसके बारे में हम बात कर भी रखें कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में वर्क करता है तो Cr+3 में जाता है, तो यहाँ पे n फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे +6 से 3 में जा रहा है, चेंज 3 का हुआ, एटम 2 है तो n फैक्टर यहाँ पे 6 लेना है, इसका अगर यूज करेंगे तो n फैक्टर 3 होगा, क्यों, चेंज तो 3 का हुआ लेकिन एटम एक ही है, तो इक्विवेलेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इससे बन जाएंगे आपके। पॉइंट नंबर 3 कि कॉपर सल्फेट .5H2O को ब्लू विट्रियोल बोलते हैं, क्योंकि ब्लू कलर होता है, ध्यान दें जब वाटर होगा तभी ब्लू कलर होगा, अगर इसको हीट कर दोगे तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो Cr+2 को 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का काम करते हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड बनाने में काम आता है, तो पूछा जाता है कि इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल एच बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल आपका एच बॉन्ड बनाता है, 4 एच बॉन्ड बन जाएंगे टोटल 1 मॉलिक्यूल में, एंड ये सल्फेट आयन चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, कॉपर पे +2 है यहाँ पे, तो सल्फेट पे -2 होना चाहिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम के बारे में आपको मालूम है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर के +6 मैक्सिमम तक हो सकती है, जिसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है इसका, डैट इज 3 है एंड 6 है। हेलो एवरीवन, कैसा काय, अभी मैं आपको जो ट्रिक देने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप एफ ब्लॉक से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर लोगे। तो ध्यान से देखो, वी नो
कि एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, एक को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं और एक को एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक के 14 के 14 एलिमेंट लेंथेनम के अंदर है। लेंथेनम खुद डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना, लेंथेनम खुद डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके अंदर 14 एलिमेंट है, क्योंकि एफ सबसेल में टोटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए टोटल 14 एलिमेंट लेंथेनम के अंदर रखा गया, इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम उस एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, उसके एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखेंगे एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीनों के लिए रफ़ी सर के पास ट्रिक है और वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सबसे पहले सर हम एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए निमोनिक्स आप देखिए ध्यान से, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमे तभी डायरिया हो गया और तुम अभी लौटो। तो इससे ये 14 एलिमेंट आपको विथ सीरियल नंबर एटॉमिक नंबर से याद हो जाएगा। और विनो की ये 58 से स्टार्ट होता है और 71 पे एंड होगा, राइट। नाउ विनो ऑलरेडी कि इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो जेनॉन है, इसलिए 54 इलेक्ट्रॉन तो वहां तक फिलअप हो जाएंगे, इसलिए 54 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, उसका टेंशन लेना नहीं है। तो सबसे मैंने 54 निकाल दिया तो क्या बचा मेरे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, 54 निकालने के बाद। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हैं, किस में जाएंगे, एच सब सेल में, राइट। तो इसलिए मैंने 2 भी निकाल दिया, तो आप कितना बचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में आपको सोचना है, अदरवाइज 54 के बारे में तो सोचना ही नहीं है। जो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और हैं वो एस में चले गए, तो 56 तक फिलअप हो चुका है, उसके बाद रेस्ट इलेक्ट्रॉन को मैंने लिखा है। ये जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें से किसी किसी में ही डी में जाएगा, बाकी सारे एफ में जाएंगे। तो डी में किस में जाएगा, ध्यान से देखो उसको कैसे याद रखेंगे, सी गॉड लव से, सी गॉड लव, भगवान को हंसते हुए देखो। दैट मीन्स ये 3 ऐसे एलिमेंट है जिसमें आपको डी में 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रखा है, यहाँ पे हमने रखा है गॉड वाले में, और यहाँ पे हमने रखा है लॉफ वाले में। बस यही 3 एलिमेंट है एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज में जिसमें डी में 1 है, बाकी सारे में डी में 0 है, इसीलिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एफ में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ईजी हुआ कि नहीं। और एक पॉइंट और ध्यान देना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, आयंस अगर इस एलिमेंट का बनाना हो, तो पहले एस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये बात को ध्यान में रखना, फिर डी से रिमूव करेंगे, फिर एफ से। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पहले एस सबसेल से निकालना, फिर डी से, फिर एफ से, राइट। इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात क्या है कि लेंथेनॉइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसलिए हर कोई लोग +3 बनने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आते हैं, अगर कोई इस सीरीज का एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो 3 में जाना जाएगा, इसलिए +2 वाले अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अगर कोई एलिमेंट +4 में है तो वो +3 में आना चाहेगा, इसलिए +4 वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। +3 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज, +3 के लिए वो कुछ भी कर सकता है। डेट मीन्स 2 में होगा तो 3 माने की कोशिश करेगा, और 4 में होगा तो भी 3 माने की कोशिश करेगा। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इतना जोर क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक है बेटा। क्यों, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसका आयनस एनर्जी हाई या लो है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्या वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है क्या, या फिर वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है क्या। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा, तभी आप हाफ फील्ड या फुल फील्ड पहचान सकते हो। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानने वाले क्वेश्चन, राइट, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिक्वायरमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चाहिए। कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कलर शो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कौन हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, डेट मीन्स अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखना पड़ेगा कि क्या वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनने की कोशिश करेगा कि नहीं, या फिर वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा कि नहीं, तो वहाँ पर भी आएगा।
किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडाइजिंग का कौन काम करेगा, रेडिएशन का। इतने सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सबका जो बेसिक कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए अगेन आई एम टेलिंग वेरी सिंपल, टोटल आपके पास जितना एटॉमिक नंबर है उसमें से 56 इलेक्ट्रॉन तो हटा दो, 54 ज़ेनॉन तक ख़त्म, उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एस में फिक्स हो गए, तो 56 ख़त्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप एफ में भर देंगे एक्सेप्ट सी गॉड लॉफ, इन तीनों में एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, बाकी सारा एफ में चला जाएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, जैसे मैं पूछूं ईयू प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो यूरोपियम यहाँ देखो 63 है, प्लस टू मतलब एस से पहले जाएगा राइट, एस से दो चला गया क्योंकि इसमें दो आई, तो सीधा देखो क्या हो गया इसका एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा पूछा जा सकता है, हाफ फील्ड में है तो स्टेबल होगा राइट, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली जी डी प्लस थ्री, तो जी डी का आप देखो यहाँ पे प्लस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले एस से जाएगा, एस में दो थे वो गए, जी डी गॉड वाले हैं तो इसमें डी में एक होंगे तो डी से भी एक गया, तो अभी भी इसके पास एफ में कितना बचा 7, तो जी डी प्लस थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया लास्ट वाला एफ में 7 ज़ेनॉन और 4F7 राइट। सिमिलरली सी ई प्लस थ्री का पूछे तो यू नो अपने पास तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है, एस में दो हैं वो निकल गए, सी वाले हैं सी गॉड लॉफ, तो डी में भी एक है तो डी से एक निकले तो एफ में एक बचा, तो इसमें एफ में एक इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि एफ में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस टाइप से बहुत सारे, और ये हमने बताया। तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इस पे बेस्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम लेकर के भी मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ। नाउ एटॉमिक रेडियस जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, ओनली एक्सेप्शन की यूरोपियम सबसे बिग आ जाता है राइट right? और कैसे याद रखेंगे, यूरोप इज ए बिग सिटी, तो सिर्फ उसको आगे कर देना है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में वही ऑर्डर फॉलो होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा, डैट मीन्स सी सबसे बड़ा होगा, एल यू सबसे छोटा होगा और यू तो सबसे आगे आ जाएगा राइट right? और सिमिलरली आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज ही होगा, डैट मीन्स सी प्लस थ्री वाला सबसे बड़ा होगा साइज में और धीरे धीरे घटता जाएगा, एल यू प्लस थ्री वाला सबसे छोटा होगा राइट। और पॉइंट को ये ध्यान रखना है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इसके स्टेबल होते हैं, इसलिए हम उसी की बात करते हैं। नाउ बेसिक करेक्टर भी वही चीज़ हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, डैट मीन्स सी ओ एच होल थ्राइस सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और धीरे धीरे बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा, डैट मीन्स एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि इसका स्टेबल है, डैट इज ओके, ये तो सारे लेंथोनाइड शो करते हैं, ये प्लस फोर भी करता है, क्यों, क्योंकि प्लस फोर शो करने की वजह से ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, कैसे, सी का एटॉमिक नंबर 58 तो फोर चले गए तो 54 डैट इज ज़ेनॉन राइट, तो इसलिए ये प्लस फोर भी शो करता है, बहुत सारे कंपाउंड इसके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि लेंथेनम का जब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है तो इसको एल्युमिनियम की तरफ ट्रीट करो, एल प्लस थ्री, तो जैसे एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा वैसे ये करेगा, जैसे हैलोजन से कराओगे तो LnX3 बनेगा, जैसे एल्युमिनियम AlCl3 बनाता है वैसे ही, वाटर से कराओगे तो LnOH होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस दे देगा, नाइट्रोजन से कराओगे तो LnN बन जाएगा, वैलेंसी को बैलेंस कर दो राइट, सल्फर या ऑक्सीजन से कराएंगे तो LN2O3 या LN2S3 बनाएगा राइट, तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, कार्बन से करेगा तो हाई टेम्परेचर पे LnC2 बनाएगा, और चूंकि ये मेटल है इस पर एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। नाउ लेंथेनॉइड में यू नो लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं, चूंकि 4F की पुअर शील्डिंग होती है, 4F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, F सबसेल का बिग साइज होने की वजह से उसकी शील्डिंग पुअर होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के चार्ज को वो रोक नहीं पाता है, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाती है, तो 4F की पुअर शील्डिंग मेन रीजन है और इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो विनो 3D से बड़ा साइज 4D का होता है और 4D 5D अप्रॉक्स सेम हो जाते हैं, जैसे टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम होगा और जर्कोनियम हाफनियम ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन को एप्लीकेशन में ले सकता है। क्वेश्चन नंबर वन में किसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, डैट मीन्स क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बात हो रही है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन हाफ फील्ड या फुल फील्ड में जा रहा है, तो आप ऑप्शन को चेक करो, तो मेरे को ज़्यादा
EU पे, क्यों? क्योंकि 63 है, राइट, 63 एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या हो गया बताओ, 54 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन S में गए होंगे तो 56 और F में 7 इलेक्ट्रॉन तो 63, ये दो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे इसलिए थर्ड आयनस एनर्जी इसका ज़्यादा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड में है। और YB में भी क्या हो जाएगा, यूनो के S में दो जाएंगे और F में 14 रहेगा, राइट। और तुम अभी लौटो, ये 70 वाला है तो 56 और 4 70, दो इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल हो गया, तो अब दिक्कत होगी निकालने में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लेना है, जहां भी आयनस एनर्जी की बात आए दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से उसको रिलेट करना है, और हाफ फील्ड या फुल फील्ड सोचना आपको। क्वेश्चन नंबर टू में ये पूछा गया था कि किसमें हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल है, अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, तो हाफ फील्ड किसमें हो सकता है, ईयू में, राइट, अभी बताया आपको एस में दो होंगे और एफ में 7 होगा, राइट, इसमें हो सकता है, और किसमें, जीडी में, कैसे, सी गॉड लॉफ आपको बताया था, तो एस में दो होंगे तो 56, चूंकि ये सी गॉड लॉफ वाले हैं तो डी में 1, तो 57 और 64 है, तो 7 और जोड़ना है तो एफ में 7, तो आप देख सकते हो, इसलिए ये दोनों में हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nd प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस टाइप से पूछा गया, अगेन आपको बता रखा हूँ, सीता प्रसाद एंड, तो एंड बोले तो ये 60 एटॉमिक नंबर वाले हो गए, दो निकालना है तो यू नो एस से दो निकलेंगे पहले, तो 56 और उसके बाद एफ में कितना हो जाएगा, 4, तो 60 आ जाएगा एटॉमिक नंबर, तो एस से दो निकलेंगे क्योंकि दो ही निकालना है, पहले ऑलवेज एस से, फिर डी से, फिर एफ से, तो यहाँ पे F में कितना हो जाएगा, 4th ऑप्शन बी, देखो कैसे इजी वे में आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, ये चार दे दिया, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो अभी आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग वो होते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें, इट सेल्फ रिड्यूस हो, इस इन सब का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा था, 3, तो ये 2 से 3 में जाना चाहेगा, ये भी 2 से 3 में जाना चाहेगा, तो ये तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हमसे पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों, क्यों, क्योंकि ये 4 से 3 माना चाहेगा, ये भी 4 से 3 माना चाहेगा, क्योंकि 3 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो कैसे उसको एप्लीकेशन में ले लिया उन्होंने। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉस स्टेबल डाइवेलेंट, डाइवेलेंट मतलब प्लस 2 वाले आयन, कौन डाइवेलेंट सबसे स्टेबल होगा, तो देखो सबका एटॉमिक नंबर भी दे देता है कभी कभी नहीं भी देता है, तो आपको याद करवा दिया निमोनिक से, ये 70 है तो कैसे होगा, 54 तक तो भर गया, एस में 2 एफ में 14, तो ये 70 हो गया, राइट, इसका अगर भरोगे आप तो एस में 2 डी में नहीं जाएगा क्योंकि सी गॉड लफ वाले नहीं है, तो 56 और 6 तो ये 62 हो जाएंगे, इसका अगर निकालोगे तो S में 2 56 F में 7 तो 63, इसका अगर निकालेंगे तो S में 2 C गॉड लफ वाले हैं, D में 1 और F में 1 तो 58 हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज डाइवेलेंट, डाइवेलेंट मतलब सब में S से निकाल देना, S से 2 निकला तो ये F 14, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में, S से 2 निकला तो F 6, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, S से 2 निकला तो F 7, ये हाफ फील्ड है, और S से 2 निकला तो D 1 और F 1 तो ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा। यहाँ पे आपको बता रखा हूँ आपको कि ये एक एक्सेप्शन है कि यूरोपियम का साइज सबसे बिग भी होता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल या स्टेबिलिटी की जो बात किया है वो ईयू प्लस 2 बाय द वे ज़्यादा हो जाता है वाईबी प्लस 2 से। बाय द वे वाईबी का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था तो उसको ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ईयू ज़्यादा होगा, और कैसे याद रखेंगे, यूरोप इज ए बिग कंट्री तो वो स्टेबल है उसका प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन कौन है इसमें, तो आप ध्यान से देखो, फुल फील्ड को अगर मैं पहचानो तो और तुम अभी ये वाले हैं अलोटो, तो ये 70 वाला है, राइट, एस में 2 एफ में 14 प्लस 2 है तो इससे 2 चला जाएगा, एफ में 14 इसमें आ सकता है, राइट, वाई बी प्लस 3 में नहीं आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और आप निकाल सकते हो, इसमें भी 4 है तो एस से 2 जाएंगे और एफ में आपका 9 होगा, राइट, तो S से 2 निकल गए, 4 निकलना है तो F से भी 2 निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, F 7 तो हाफ फील्ड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया है तो आप इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को 10 सेकेंड के अंदर में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, लाइकली टू डिविएट इजिली फ्रॉम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डेट मीन्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा और भी शो कर सकता है इजिली, वो भी तो सीरियम, क्यों, क्योंकि नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में EU प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, EU का आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 63, 63 में 54 तो कंप्लीट हो गए, S में उसके बाद दो जाएंगे तो 56
और एफ में सेवन जाएंगे, प्लस टू मतलब एस से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एफ में कितना होगा सेवन, ऑप्शन बी। कौन इसमें डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो डेट इज वाई बी प्लस टू, क्यों, क्योंकि इसका कितना हो गया 70, तो एस में दो 56 और एफ में 14, दो निकालना है तो एस से दो निकल गए, एफ में फुलफिल्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा, इसलिए ये कलरलेस भी होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन इन GD प्लस टू में, तो यू नो सी गॉड लॉ ऑफ सी एस 64 वाले हैं राइट, एस में दो जाएंगे तो 56, डी में वन जाएंगे तो 57 और एफ में सात जाएंगे तो 64। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो ही निकालना है तो एस से दो निकलेंगे, हमसे एफ में पूछा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4F ऑफ HO प्लस 3, तो डायरिया हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है 67, तो पहले यू नो एस में दो जाएंगे तो 56 और उसके बाद 67 है तो एफ में कितना हो जाएगा 11 राइट, कितना निकालना है 3, एस से दो जाएंगे और एफ से एक जाएंगे तो बचेगा कितना एफ में 10, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए PYQ में, आप देख सकते हो कितना ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आने पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डज नॉट फॉर्म MO2, MO2 कौन नहीं बनाएगा, तो डेफिनेटली वो वाले जिसका हाफ फिल या फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो अगेन YB जो है इसका प्लस टू ही स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि F में 14 फुल फिल हो जाएगा, तो प्लस टू होने की वजह से ये YBO बना सकता है, YBO2 नहीं, क्योंकि प्लस फोर हो जाएगा और प्लस फोर तो वैसे भी YB शो नहीं करता राइट, जो इनके ग्रुप के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो 3 हैं और ये सब 4 शो कर सकता है लेकिन वाई भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया है फुलफिल्ड हो चुका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। CO2 तो यहाँ पे C प्लस 4 में है, ये 3 में आना चाहेगा राइट, तो रिड्यूस होना चाह रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जो अदर को ऑक्सीडाइज करें इट सेल्फ रिड्यूस हो, यहाँ पे EuSO4 मतलब EU किस में प्लस टू में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है 3, तो ये प्लस टू से 3 में जाना चाहेगा तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ एटसेट्रा एक्सेट्रा से दे सकता है। 14 में विच डज नॉट शो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी आपको बताया कौन नहीं शो कर सकता, जिसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए राइट, तो प्लस 4 कौन आपका नहीं शो कर सकता है, तो ध्यान से देखो EU वाला राइट, क्यों, क्योंकि EU प्लस 2 वाले जो होंगे उसमें F7 हो जाएगा और EU ज़्यादा से ज़्यादा प्लस 3 शो कर सकता है ड्यू टू स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज ये प्लस 4 नहीं शो कर सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे C। सिमिलरली GD प्लस 3 का म्यू बताओ, तो GD प्लस 3 का म्यू, तो यू नो C गॉड वाले हो गए, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि S में 2, 56, D में 1, 57, F में 7, 3 निकालना है, S से पहले जाएंगे 2, फिर D से 1, तो F में 7 है तो 7.89 ऐसा कर दो, नियरेस्ट इंटीजर में पूछता है तो आंसर हो जाता है 8। देखो मैं विदाउट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन कलर शो करेगा, तो कलर कौन शो कर सकता है राइट, जिसमें एफ में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए या फुल फील्ड नहीं होना चाहिए या एफ जीरो नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से देखो SM प्लस 3 में ऐसा हो पाएगा, क्यों, क्योंकि लॉटो LU प्लस 3 में एफ 14 है राइट, और तुम अभी लॉटो एफ 14 है तो ये फुल फील्ड है, ये नहीं शो कर पाएगा। लैंथेनम प्लस 3 में तो 0 ही हो गया, तो है नहीं इलेक्ट्रॉन तो ये भी नहीं शो करेगा। GD प्लस 3 में F7 है तो इसको भी दिक्कत होगी क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, और SM प्लस 3 में ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है ना F0 है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा D। तो ध्यान से देखो ये 16 के 16 क्वेश्चन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कहीं ना कहीं रिलेट थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है तो उसको डिफरेंट वे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्टिनॉइड सीरीज राइट, एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम के अंदर 14 एलिमेंट है, एक्टिनियम खुद जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके अंदर 14 एफ के इलेक्ट्रॉन है, और जिसको कैसे याद रखेंगे विथ एटॉमिक नंबर एंड निमोनिक्स के साथ, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, फर्स्ट 4 के लिए आप ऐसे याद रख लेंगे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, नेक्स्ट 5 के लिए पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में,
और नेक्स्ट फाइव के लिए इस बार एफएम पे मोदी जी का नो लेक्चर, मोदी जी मन की बात करते हैं तो इस बार एफएम पे मोदी जी का नो लेक्चर। तो ये आपको 90 से लेकर के 103 एलिमेंट उसके सीरियल एटॉमिक नंबर से याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो 90 से लेकर के 103 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 86 तो आपका फुलफिल हो चुका है, नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन, उसके बाद के इलेक्ट्रॉन को सोचना है, इसलिए 86 सब में से हमने माइनस कर दिया है। तो 4 से लेकर के कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 17, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगेन एस में जाएगा तो फिर से हमने 2 माइनस कर दिया तो अब कितना बचेगा, 2, 3 एंड सो ऑन कर करके 15। अब यहाँ पे डी में किस किस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको ध्यान रखना है, थोरियम में डी में 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है यही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं थोरियम की बात करूँ तो थोरियम में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों डी में होंगे, इसका मतलब इसमें एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एफ में 0 होगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वैसे ही और अगर मैं किसी को ले लूँ, मान लो पी यू को लिया 6, राइट, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना है तो आपका पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, एफ में। तो डैट मीन्स कि सर हमको कैसे याद रहेगा, तो हमने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, 86 माइनस कर दो, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस कर दो क्योंकि वो एस में होंगे, उसके बाद ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है ये सब एफ में जाएंगे, एक्सेप्ट किस किस में, थोरियम में आपको डी में 2 इलेक्ट्रॉन और ये सारे एलिमेंट में डी में 1 इलेक्ट्रॉन भर देना है, रेस्ट एफ में भर देना है। तो डी में 1 वाले कौन कौन है कैसे याद रखेंगे, यू कम इन लेक्चर पापा नो प्रॉब्लम, डैट मीन्स यू सी एम एल आर पी ए एन पी में डी में 1, बाकी सारा आप किस में भर देंगे, एफ में, और याद कैसे रखेंगे, यू कम इन लेक्चर पापा नो प्रॉब्लम। एंड इस ग्रुप की अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 तक शो कर सकते हैं, और वो कौन शो करते हैं वो भी पूछा गया, एन पी एंड पी यू, राइट, ये दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक शो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा एफ ब्लॉक में और किसी का नहीं है। यूरेनियम +6 तक शो कर सकता है, ये ध्यान रखना आपको। अगेन अगर आयनिक रेडियाई का पूछे तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, +3 अगर वाले लिए तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे, डैट मीन्स सबसे बड़ा थोरियम +3 होगा और सबसे छोटा एलआर +3 होगा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इस पे बेस प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं, चूंकि अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो वही सेम जो अभी आपको लेंथोनाइड ने बताया था। तो आई होप ये एफ ब्लॉक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पे बहुत सारे PYQs हमने आपको करा ही दिए हैं और जो रेस्ट बचे हुए हैं वो आप खुद से कर लीजिए, आप देखोगे आपसे इजिली इस चैप्टर से आने वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे। थैंक यू।